किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछली बार भास्कर उत्सव के अंतर्गत विद्याश्रम स्कूल में आपका कार्यक्रम हुआ था और तालियां एक बार फिर इस बात के लिए चाहूंगा कि आप पहली शख्सियत हैं जिनको दैनिक भास्कर ने तय किया कि उससे बड़ी कैपेसिटी के ऑडिटोरियम बिड़ला ऑडिटोरियम में आपका कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि आप सबकी यही प्रबल इच्छा थी। तो प्रकटीकरण करें उस इच्छा का तालियों के द्वारा। पंडित साहब रंगकर्मी हैं, पत्रकार हैं, आध्यात्मिक नेता हैं और धर्म की मीमांसा में आपकी कोई सानी नहीं। जीवन प्रबंधन कैसे हो, परिवार प्रबंधन कैसे हो और हनुमान जी के बारे में आपकी जो टीकाएं, आपकी जो मीमांसाएं और आपके जो प्रवचन हैं, दुनिया भर में उसकी ख्याति है। जीवन प्रबंधन, जीवन का प्रबंधन कैसे हो, उसके लिए आपका एक ही फंडा है। आपका ये कहना है कि पहले व्यक्ति स्वयं के बारे में सबसे पहले सोचता था, निजी जिंदगी के बारे में, यानी निजी जिंदगी जो है वो पहले, उसके पश्चात परिवार के बारे में, फिर वो सोचता था समाज के बारे में और फिर अपने व्यवसाय के बारे में, प्रोफेशन के बारे में। आपका ये फरमाना है कि अब गंगा उल्टी बह रही है, अब सबसे पहले व्यक्ति सोचता है अपने व्यवसाय और प्रोफेशन के बारे में, फिर समाज के बारे में और फिर अगर समय बचा तो परिवार के बारे में। घर तो एक धर्मशाला हो गया है और 60 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात निजी जीवन के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में। आपका यह कहना है कि निजी जिंदगी है क्या, स्वभाव के अनुरूप जीना, स्वभाव के अनुरूप जीवन जीना, आत्मा को पास में बैठाना। एक धनिक व्यापारी था, बहुत धनी, उसके 4 पत्नियां थी, चौथी पत्नी को सर्वाधिक प्रेम वो करता था और उसकी जो भी अपेक्षा होती, इच्छा होती, उसकी तत्काल पूर्ति करता था और उसकी इच्छाएं अंतहीन थी, नित नई इच्छा और वो पूर्ति करता था। तीसरी पत्नी, बड़ा अभिमान था उस पर उसको, बड़ी सुंदर थी वो, बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसे एक भय था कि ये कहीं मुझे छोड़कर नहीं चली जाए। दूसरी पत्नी, जब भी उस व्यापारी के सामने कोई समस्या आती तो वो उसका समाधान करती, कैसी भी समस्या हो उसका समाधान वो कर देती और इसलिए बड़ा अनुराग था उसके प्रति, बड़ी मित्रता थी उसके प्रति। और पहली पत्नी, वह सेठ से, उस व्यापारी से बहुत प्यार करती थी, सेठ उसको बिल्कुल नहीं चाहता था। वह उसकी संपदा का ध्यान रखती, घर गृहस्थी का ध्यान रखती और कामना करती, मंगल कामना करती सेठ के बारे में, सेठ के प्रति। एक बार सेठ बीमार हो गया, इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मरणासन जब वो था उसे लगा कि अब वो जी नहीं पाएगा, तो उसने सोचा कि 4 पत्नियां और अब मैं अकेला ही जाऊंगा, तो उसने सबसे पहले अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और कहा कि अब मैं तो जा रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं चलूंगी, इतना कहकर के पलट करके चली गई। बड़ा धक्का लगा उसे कि ये क्या। तीसरी पत्नी को बुलाया और यही बात कही, उसने कहा आप जाइए, आपकी मृत्यु के पश्चात मैं तो दूसरी शादी कर लूंगी। लगा कटार भोंक दी हो दिल में किसी। अतुलित बल धामम हैम शैलाव देहम धनजनकशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि नमामि नमामि। मनोजिवम मारुत तुल्य वेगम
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्य। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग बाबा हनुमंत लाल जी के चरित्र के माध्यम से अपने जीवन के उस भाग को स्पर्श करने जा रहे हैं जो सौभाग्यशालियों को मिलता है। इससे पहले कि हम जीवन की यात्रा में प्रवेश करें, एक बार भाव और श्रद्धा से श्री हनुमान चालीसा का गान करेंगे, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में जीवन की परिभाषा है, जीवन की सुगंध है, जीवन का स्पर्श है। आइए, जिन्हें हनुमान चालीसा याद हो वो मेरे साथ बोलेंगे और जिन्हें हनुमान चालीसा याद न हो वो आज से संकल्प ले लें कि कल से श्री हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर लेंगे। आइए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु शोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा अंजनि गोत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुबेर निगपाल जहाँ से कवि को
जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे मन महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप सियावर। राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंच पे स्थापित उलझा लेते हैं और फिर सुलझाते सुलझाते समेटते समेटते सारी जिंदगी बीत जाती है। इस पे एक छोटी सी कहानी सुनिएगा, फिर विषय में चलेंगे। ये कहानी आपको आज भी काम आएगी और आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। ध्यान से सुनिएगा। एक गुरुजी का देहांत हो रहा था। गुरुजी देह त्याग रहे थे, उनके शिष्य उनके आसपास खड़े हुए थे। शिष्यों ने विचार किया कि जाते जाते गुरुजी से कोई ऐसी बात पूछ ली जाए, कोई ऐसा सूत्र वाक्य ले लिया जाए जो आगे जीवन में काम आ सके। एक ब्रह्मचारी ने बहुत आग्रह किया तो गुरुजी ने सोचा अब कोई ना कोई बात इसको कह दे। ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज आपके जीवन का समापन हो रहा है, कोई सूत्र दे दीजिए, कोई वाक्य कोई मंत्र। तो गुरुजी ने उस ब्रह्मचारी से कहा, देखो बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में बिल्ली कभी मत पालना। सबको बड़ा आश्चर्य, सबने सोचा कि गुरुजी कोई मंत्र देंगे, कोई श्लोक देंगे, कोई ब्रह्म वाक्य दे देंगे और गुरुजी ने कह दिया कि जिंदगी में बिल्ली कभी मत पालना। सच्चा शिष्य था, गुरुजी की बात हृदय में रख ली और गुरुजी के देहांत के बाद एक गांव के बाहर कुटिया बना के रहने लगा। अब उसकी एक समस्या शुरू हुई। जब वो अपने दैनंदिनी के कार्य निपटा के अपनी लंगोटी कुटिया में सुखाता तो चूहे उसकी लंगोटी को तर लेते, चूहों से बड़ा परेशान। महात्मा था, इंसानी करना चाहता तो चूहों के इलाज के लिए एक बिल्ली पाली। अब महात्मा जी को दया है, बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था करना, एक गाय पाल ली। फिर महात्मा जी को दया है कि गाय के लिए चारे की व्यवस्था करना है तो कुटिया के पीछे खेत उगा लिया। और अब महात्मा जी का काफी समय इन सब चीजों में जाने लगा। एक दिन गांव में कोई 5-25 लोग इकट्ठे हुए, महात्मा जी के पास पहुंचे और कहा, हम देखते हैं आपका बहुत सारा समय इन सब बातों में चला जाता है, तो हमारे गांव में बाल विधवा है, वो लड़की आपकी सेवा में लगा देंगे आपको, जब तक हवन पूजन यज्ञ के लिए समय मिल जाए करेगा। तो महात्मा जी ने बोला, जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर होता है, तो वो लड़की बाल विधवा इनकी सेवा में लगा दी गई। 6 महीने बीत गए। एक दिन गांव के 5-25 लोग वापस इकट्ठे हुए, महात्मा जी के पास आए और महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी अब एक समस्या शुरू हो गई। तो महात्मा जी ने कहा, अब कौन सी समस्या शुरू हो गई? तब उन्होंने बताया गांव वालों ने कि अब समस्या ये शुरू हो गई कि गांव में होने लगी है चर्चा और ये लड़की हो गई बदनाम, अब ये किसी काम की नहीं रही है। और आप तो महात्मा हैं, आपका तो जनहित का उद्देश्य परहित के लिए आप महात्मा बने हैं, तो एक काम करिए आप इससे विवाह कर लीजिए। महात्मा जी ने बोला, जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर होता। तो बाबा जी की शादी हो गई। 4-5 साल बीत गए, 4-5 बच्चे हो गए,
एक दिन महात्मा जी कुटिया पे पीछे बैठ के चट्टान पे ध्यान लगा रहे, बच्चे भारी उपद्रव कर रहे, उनकी माँ चौके में रसोई का कुछ काम कर रही, बच्चों को शैतानी करते देख के माँ को गुस्सा आया, एक बच्चे का कान मरोड़ा, दूसरे को लपड़ मारा, तीसरे को बगल में लपेटा, चौथे का हाथ घसीटते वहां ले गई जहाँ चट्टान पे बैठ के कुटिया के पीछे उनका पति ध्यान लगा रहा था। अपने पति को झल्लाते हुए देखा, गुस्से में बच्चों को दिखाया और जोर से बोली, जब यही सब करना था तो ये सब क्यों किए। उसी समय महात्मा जी को याद आया, गुरु जी ने कहा था बिल्ली कभी मत पालो। देखिए सज्जनों देवियों, बिल्ली कभी मत पालना, कोई वाक्य मत समझ लेना। ऐसे तो अनेक वाक्य हमारे माता पिता ने, गुरुजनों ने, साधु संतों ने, कभी गीता के श्लोक के रूप में, कभी रामायण के चौपाइयों के रूप में, कभी भागवत के मंत्र के रूप में हमको कई बार कहा, पर हम अपना जीवन उलझा लेते हैं, बिखरा लेते हैं और समेटते समेटते पूरा जीवन बीत जाता है। ये तो भारतीय संस्कृति का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है कि हमारे पास कुछ ऐसे शास्त्र हैं, कुछ ऐसे साहित्य हैं, सूत्र हैं, जिनके माध्यम से हम अपने बिखरे जीवन को समेट सकते हैं, उलझे जीवन को सुलझा सकते हैं। और ऐसे ही एक छोटे से साहित्य का नाम है श्री हनुमान चालीसा। आप सब जानते हैं सज्जनों देवियों, श्री हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने बहुत बालपन में लिखी थी। एक बालक ने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी, हनुमान चालीसा उसका अंश है। एक बच्चे ने मांग की और बच्चे की मांग सुन के हनुमान जी हनुमान चालीसा की पंक्ति पंक्ति में उतरे, और इसीलिए हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंत्र अभिमंत्रित है, प्रत्येक शब्द चार्ज्ड है। इसकी हर चौपाई में बाबा बजरंग बली ने साक्षात प्रवेश किया एक बालक की मांग और पुकार पे। और इसीलिए जिनके जीवन में हनुमान चालीसा उतरती है उनको अपने जीवन में दिव्यता और धन्यता की अनुभूति होती है। ऐसी परंपरा है कि जब किसी साहित्य की चर्चा की जाए तो पहले उसके महात्म्य की चर्चा की जाती है। महात्म्य का अर्थ होता है ये ग्रंथ क्यों महान है। आइए संक्षेप में हनुमान चालीसा के महात्म्य की चर्चा कर लें। हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है। यशगान एक तरह की उपासना होती है। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना, उपासन। आजकल आदमी पूजा में स्वयं नहीं बैठता, पूजा भी मशीन की तरह यंत्रवत हो गई है। जैसे हम गाड़ी मशीन की तरह चलाते हैं, रसोई मशीन की तरह बनाते हैं, ऐसी हम लोग पूजा की मशीन की तरह करते हैं। और एक बात याद रखिए, पूजा आदत नहीं, पूजा स्वभाव होना चाहिए। सज्जनों देवी, अच्छी आदतों से संसार मिलता है, पर परमात्मा स्वभाव का विषय है। स्वभाव का अर्थ होता है अपने भीतर उतर के अपनी आत्मा के पास बैठना, अपनी निजता को निहारना, अपने स्वयं को स्पर्श करते हुए जीवन बिताना। इसको स्वभाव में जीना कहते हैं। आज आदमी ने अपने भीतर मुड़ना छोड़ दिया है, जिसे देखो वो बाहर भाग रहा है, बहुत तेजी से दौड़ लगा रहा है। आदतों से संसार मिलता है, अच्छी आदत होती है, लोग दुनिया लपक लेते हैं, लेकिन परमात्मा आदत से नहीं, स्वभाव से मिलता है। आपने देखा होगा हम लोगों को समाज में रहते हुए बहुत अच्छी आदत होती है। हम किसी से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कैसे हो, तो वो बोलता है अच्छे। न पूछने वाले को कोई मतलब, न बताने वाले को कोई लेना देना। सच तो यह है कि यदि आप किसी से पूछें कैसे हो और वो 5 मिनट रुक के अपना रोना रोने लगे, आप जिंदगी में दोबारा कभी किसी से नहीं पूछेंगे कि तो आप तो मालूम है अपने को पूछना, उसको बताना, ये अच्छी आदत है। लेकिन इससे दुनिया मिलती है, भगवान प्राप्त नहीं होता। भगवान स्वभाव का विषय है। और आरंभ में मैं आपसे निवेदन इसीलिए कर रहा हूं कि जितनी देर अब हम बैठे यहां, अपने स्वभाव में बैठिए, दुनिया से थोड़ा सा कट जाए। मैं आपकी श्रद्धा को, आपकी एकाग्रता को, आपके भाव को नमन कर रहा हूं। आप अनेक सुविधाओं में बैठे हैं, कुछ यहां कुछ बाहर, मैं अब स्वभाव से बैठिएगा, अब अपनी निजता के साथ बैठिएगा। अब दुनिया से थोड़ी देर कट जाए। ये बाहर की दुनिया न किसी के चले चली है और न किसी के रुके रुकी है, ये ऐसे ही चलती है। आप बैठे हैं, आपका सौभाग्य जागा है, तो चलिए हनुमान जी के साथ यात्रा करते हैं। आप सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां लिखी हैं। आरंभ में 2 दोहे हैं, अंत में 1 दोहा है।
कुल मिला के 43 पद हैं। आरंभ में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। पहली पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है, गुरु के चरण की रस से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं और भगवान के विमल यश का गान करता हूं जो चार फल देने वाले, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। पहली पंक्ति में श्री गुरु चरण सरोज रज गुरुदेव को याद किया है। आइए हम सब भी एक एक बार अपने गुरुदेव को याद करें। और देखिए पहली पंक्ति में तुलसीदास जी उल्टी बात लिखते हैं, कहते हैं गुरु के पैर की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। धूल को साफ किया जाता है, धूल से साफ नहीं किया जाता। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं गुरु की रज, पैर की रज में, गुरु के पैर की धूल में वो ताकत होती है कि आपके मन में दुर्गुणों की जो धूल जम जाए, ब्रह्म का जो धुंध जम जाए, उसको गुरु के चरण के रस से साफ कर लिया जाता है। बड़ा मान बताया है गुरु का। फिर कहा बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरे हूं कलेश विकार। हम सबका प्रतिनिधित्व करते हुए तुलसीदास जी हनुमान जी से कह रहे हैं बुद्धिहीन है तनहीन है। हनुमान जी महाराज हमारे भरोसे मत रहना, कृपा आपको करना पड़ेगी। हम लोग बुद्धि से भी और तन से हीन है, कमजोर है। हरे मुख क्लेश विकार, हमारे क्लेश मिटा दीजिए, हमारे विकार हटा दीजिए। क्लेश पांच होते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय। विकार छह होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर। क्लेश और विकार हटाने के बाद क्लेश मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं और विकार उसको उसके लक्ष्य से भटकाते हैं। तो आरंभ में तुलसीदास जी सावधान होकर हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं आपके भरोसे हैं हम, कृपा करना पड़ेगी आपको। और हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों की प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जयकारे के साथ हनुमान चालीसा को आरंभ किया है। जय का मतलब एक आत्मविश्वास, जय का मतलब एक आंतरिक ऊर्जा, जय का मतलब कि परिश्रम निष्ठा और ईमानदारी से आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहें आपको जरूर मिलेगा। भारतीय संस्कृति जय में विश्वास रखती है, हमारा पराजय में विश्वास नहीं है। और इसीलिए जयकारे के साथ हनुमान चालीसा को आरंभ किया और पहला शब्द लिखा हनुमान। यूं तो बाबा बजरंगबली के बहुत सारे नाम है पर तुलसीदास जी को हनुमान नाम बहुत प्रिय है। और आपने हनुमान जी की बचपन की कथा सुनी होगी, बचपन में हनुमान जी बड़े उत्साही, बड़े उत्तेजित, बड़े उपद्रवी स्वभाव के थे। एक बार सूर्य बल्ब पक लिया, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, देवता इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, ठोड़ी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु बोलते हैं, इसलिए इनका एक नाम हनुमान पड़ा। लेकिन संत और महात्मा लोग कहते हैं हनुमान का एक और अर्थ है, जो अपने मान का हनन कर दे वो हनुमान है। इसलिए जो हनुमान का भक्त हो उसे निराभिमानी होना चाहिए। हनुमान के भक्त में जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। और सच तो यह सज्जनों देवियों, जिंदगी में जब तक अहंकार है परमात्मा नहीं उतरेगा। भगवान जब भी उतरता है अहंकार शून्य चित्त में उतरता है। भक्त को अहंकार नहीं रखना चाहिए, अहंकार भक्ति का दुश्मन है, इसलिए मना किया है। निराभिमानी हो जाए हनुमान के भक्त में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप ज्ञान और गुण के सागर है, जय कपीश थी लोक उजागर। कपीश शब्द लिखा है, कपीश का अर्थ होता है वानरों के राजा। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा हनुमान जी तो वानरों के राजा नहीं थे, वानरों के राजा तो सुग्रीव थे, हनुमान जी तो सुग्रीव के सचिव थे। तुलसीदास जी ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, राजा तो सुग्रीव था पर सुग्रीव केवल किष्किंधा का राजा था। और तुलसीदास जी की दृष्टि में असली राजा वो जो लोगों के दिल पे राज करे, और हनुमान जी आज भी लोगों के दिल पे राज करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कपीश शब्द के लिए लिखा, जय कपीश थी लोग उजागर। फिर कहते हैं राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम जी के दूत हैं और मां अंजनी के बेटे हैं, राम दूत लिखा है। एक सवाल लोग तुलसीदास जी से पूछा करते थे, हमसे भी पूछते हैं कि राम जी की सेना में, राम जी की व्यवस्था में हनुमान जी का पद क्या था, किस पोस्ट पे थे हनुमान जी। ये बड़ा जरूरी सवाल है आजकल, कोई किसी से मिलता है तो पहला सवाल यही जाता है करते क्या भैया,
आदमी छोटा मोटा हो तो न तो कोई उसकी ओर देखता है, न उसकी बात सुनता, न उसके लिए रुकता है। और पता लग जाए आदमी पावरफुल है, बड़ा है, तो सब आसपास मंडराने लगते हैं। तुलसीदास जी मनोविज्ञान को जानते थे, तो उन्होंने लिखा राम जी की सेना में, राम जी की व्यवस्था में हनुमान जी बहुत बड़े पद पे थे। हनुमान जी का पद था राम दूत। कल्पना करिए, राम जी की कोई कंपनी होती तो बाबा जी सीईओ से कम पद पे नहीं होते उसमें। बहुत बड़े पद का देवता है ये सज्जनों देवियों। हमारे यहाँ परंपरा है अष्ट चिरंजीव देवताओं की, आठ लोग जीवित हैं। आज भी मान्यता है साधु संतों की, जहाँ कहीं राम जी का सत्संग हो, अच्छी वार्ता हो, परमात्मा का स्मरण हो, भले लोग बैठे हो, शुभ और कल्याण की कामना से यदि हमारा एक समूह एकत्रित हुआ हो तो हनुमान जी वहाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आपने इतना सुंदर आयोजन किया, हनुमान जी का दरबार लगाया, मेरे जैसे आदमी का आपने इतना स्वागत किया, जरा जोरदार तालियों से हनुमान जी का स्वागत। सचमुच बहुत अच्छी बजाई और आगे भी बजाते रहना, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं महीने में 20-25 दिन, इस महीने में तो लगातार 31 दिन व्याख्यान दे रहा हूं। मुझे एक अकल आ गई कि बहुत सारे लोग कथा सत्संग में बैठ के थोड़ी देर बाद ये भूल ही जाते हैं कहां बैठे हैं और काहे के लिए बैठे हैं। ताली बजाएंगे तो आपके शरीर को ये याद आ जाता है आप क्यों विराजे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सारे कार्यक्रम यही निपटाएंगे जिसमें एक सोने का भी होता है। हमारे देश में सज्जनों देवियों इतनी कथाएं होती हैं और कथाओं ने जितने उपकार इस देश पे किए हैं, बड़ा उपकार ये भी किया है कि यदि किसी को नींद ना आने की बीमारी हो तो उसको कथा में बैठा दो, बड़े बड़े निपटते पाए गए। पर एक बात याद रखिए, यदि आप कथा में सो गए तो जिस दिन आपकी जिंदगी की व्यथा होगी फिर इससे भी उम्मीद करना कि ये आएगा, जागते रहना तो चला आएगा जिंदगी में। इसलिए ताली बजाते रहेंगे तो थोड़ा आपको लगता रहेगा कि हाँ आप परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई बात दिल तक पहुंचे, परमात्मा का स्मरण हो। कई तरह की सेवाओं में ताली भी सेवा, बस इसीलिए आग्रह करता हूँ, मुझे कोई आपसे अपना मनोरंजन, मुझे कोई आपसे अपना उत्साह वर्धन नहीं कराना है, पर परमात्मा से जुड़ने के लिए बार बार यह आग्रह होता है। तो हनुमान जी को याद करते हुए कहते हैं राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुतना। हनुमान चालीसा की आरंभ की पंक्तियों में तुलसीदास जी ने माँ अंजनी को याद किया है, ममता को नमन किया है, मातृत्व का आह्वान किया है। हनुमान चालीसा की आरंभ की पंक्तियां एक माँ को समर्पित करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज के जीवन में जो कुछ भी था माँ अंजनी का आशीर्वाद था। हनुमान जी महाराज बचपन में बड़े उपद्रवी उत्साही ऊर्जावान थे। माँ ने हनुमान जी ने हनुमान जी की माँ अंजनी ने हनुमान जी की ऊर्जा का रूपांतरण किया था और हनुमान को हनुमान बनाया। आज भी जो माताएं अपने बच्चों के रूपांतरण की कला जानती है वो बच्चे एक दिन हनुमान बन जाएंगे। इन बच्चों की ऊर्जा को दबाना नहीं है, इनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना। सज्जनों देवियों, जैसे कुम्हार घड़े को, माली बाग को, किसान खेत को तैयार करता है, ऐसे दुनिया भर की माताएं अपनी संतान को तैयार करती है। संसार की सारे संतानें उसकी माँ का क्रिएशन होती है, माँ की रचना होती है, माँ अपनी संतान को तैयार करती है। और इसीलिए हनुमान जी महाराज तो कहा करते हैं मेरे पास, मेरे जीवन में सबसे बड़ी पूंजी यदि कोई है तो मेरा आशीर्वाद है। आराम से कोई भी आवेश में ना आए, मेरा एक निवेदन है, बहुत अच्छा है मर्यादा में अगर किसी का बालक बहुत परेशान करा है तो ले जाए, लेकिन अगर आप आवेश में बिल्कुल ना आए, मेरा तो एक सिद्धांत है कि अगर मेरी कथा में बच्चे प्रवेश करते हैं मैं कभी कार्ड पे भी नहीं लिखवाता कि बच्चों को मत लाना, पता नहीं कौन सा बच्चा कौन से शब्द से जीवन बदल दे, ये बच्चे तो नादान है। तो सरकार ने अपनी
मर्यादा अनजाने में करता है। कभी कभी आप लोग तो बहुत व्यवस्थित बैठे हुए हैं, इतने मर्यादित है, मैं आपको नमन कर रहा हूँ। हमारी कथाएं तो छोटे से गांव से लेके मेट्रो तक होती है, तो विचित्र विचित्र दृश्य दिखते हैं हमारी कथाओं में। तो कई बार बच्चे सारी गुलाटियां यही खाते रहते हैं, तो हम कहते हैं इनको खाने दो, आप इनकी चिंता मत करो, आप तो कथा सुनो। कोई बहुत उपद्रव करे तो एक हाथ माता ले भागे, बाकी चलने दो उनका, आप हमसे जुड़ो। क्योंकि इन बच्चों में हमें फर्क ही है, ये शरीर से कूद रहे हैं पर मन से शांत हैं, और हम लोग हो। बच्चा बहुत परेशान करे तो माता शांति से चली जाए, वरना चलने दो शोर। अरे इतने शोर में जब इधर 18 अक्षणी सेना खड़ी थी, 7 पांडवों की, 11 कौरवों की, इतना शोर रहा होगा कुरुक्षेत्र में। बोली आप हर आदमी रक्तपात करने को तैयार हो, ऐसे शोर शराबे में कृष्ण गीता कह गए और अर्जुन ने सुन ली मामला शोर का। बिल्कुल परेशान में तो ये जिसके हिस्से की जो ले भगेगा, और जिसको नहीं मिलना उसको नहीं, बिल्कुल आराम से आवेशित ना हो। मेरा ये नहीं कहना है कि बच्चे शोर करें, लेकिन मर्यादा से आपको लगता है तो बाहर जाएं, और अच्छा लगे तो शांति से सुनिए। आइए चलिए उस मनोभाव में चलते हैं जहां मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हनुमान जी महाराज जो कुछ भी थे माँ अंजनी के कारण थे। हनुमान जी ने तो घोषणा की है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मेरा माँ का आशीर्वाद है। और यदि सुंदरकांड की पंक्तियां याद करें तो देखिए, सुंदरकांड में जब मां सीता को श्री राम जी का विरह संदेश दिया और मां ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तो मां के आशीर्वाद के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के मुंह से एक पंक्ति कहलाई। जो लोग अपनी मां के आशीर्वाद का मान रखना चाहते हैं, उन्हें रामचरित मानस की ये चौपाई अपने घर में लिख कर रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज सीता जी को देख के कहते हैं अब कृत्य कृत्य भयो मैं माता। कृत कृत शब्द का अर्थ होता है मां ने इसके बात करने के लिए पाने के लिए कुछ रहा। क्यों? आशीष तब अमोघ विख्याता मां, आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, अतुलनीय है और अद्भुत है। मां के आशीर्वाद में ऐसी ताकत होती है कि परमात्मा को बाध्य कर दे कि उसकी संतान का भाग्य बदल दे। इसलिए कभी भूल से कोई ऐसा काम मत कर लेना कि मां के हृदय को ठेस लग जाए। भगवान का कायदा है, जिस दिन आप मां को इस धरती पे चोट पहुंचाते हैं, घायल ऊपर बैठा परमात्मा हो जाता है। कभी भूल से कोई ऐसा काम नहीं। आपने कथा सुनी होगी, ब्रह्मांड में प्राणी भगवान के पास सुरक्षित था, रोज भगवान को देखता। एक दिन भगवान ने प्राणी से कहा तेरे जन्म लेने का अवसर आ गया, मैं तुझे मां के गर्भ में भेजूंगा और वहां से तू संसार में जन्म लेना। तो प्राणी रोने लगा। प्राणी ने कहा आप मुझे संसार में मत भेजिए, यहां ब्रह्मांड में रोज आपको देखता हूं, आनंद मनाता हूं, ना कोई दुख ना समस्या, संसार तो दुख का नाम है, और वहां जाऊंगा तो आपके दर्शन नहीं होंगे, महाराज मुझे मत भेजिए। भगवान ने कहा देखो भाई जन्म तो तुम्हें लेना पड़ेगा, ये तो प्रकृति का क्रम है, जन्म तो तुझे लेना पड़ेगा। जब बहुत रोने लगा तब भगवान ने कहा सुन तू मां के गर्भ से जन्म ले, और तुझे कभी संसार में परेशानी हो, तुझे कभी संसार में निराशा हो, उदासी हो, तुझे कभी संसार में रोना आए और तुझे कभी मेरी याद आए, तो मैं तुझे आज एक बात बता रहा हूं, तू मां को देख लेना, तुझे भगवान दिख जाएगा। ये मां अंजनी मां को याद किया, संसार में मां का बड़ा मान किया है हनुमान जी महाराज ने। एक बार एक स्कूल में इस व्याप की प्रतियोगिता हो रही थी कि एक अक्षर में बच्चों को कुछ लिखना था। हमारे एक श्याम कवि, उन्होंने बड़ा सुंदर रूपक लिखा है, बच्चों ने कुछ कुछ लिखा। कवि ने कहा है ईश्वर अल्लाह राम लिखा या ईसा सत नाम लिखा, हर बच्चे ने हर अक्षर से मां को ही प्रणाम लिखा, और शर्त लगी जब सारी दुनिया एक शब्द में लिखने की, सबने दुनिया लिख डाली मैंने मां का नाम लिखा। इस एक नाम के आसपास दुनिया ढूंढती है सज्जनों, देवी मां अंजनी को याद किया है। मां की बड़ी निष्ठा है, बड़ी नियामत की है भगवान ने मां देके संसार में। आज प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी, अंजनी पुत्र पंसुतना मां महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवार सुमति के संगी। कोई वीर होता है, कोई परम वीर होता है, महावीर कुंती निवार सुमति के संगी, कुंती को दूर करने वाले और सुमति को देने वाले। आज हम भक्तों की परेशानी यह है, अच्छा काम करते हैं, अच्छी भक्ति करते हैं, अच्छी तप तपस्या करते हैं, जरा मुड़े और कुंती का एक थप्पड़ लगा आदमी आचरण से गिर जाता है।
पता ही नहीं लगता कब कुंती घेर लेगी, अब तो आंधियां चल रही। इसलिए हनुमान जी महाराज से तुलसीदास जी ने कहा, आप कुंती को दूर करते हो, सुमती को देने वाले, पल पल जरूरत है सुमती की, कब मगज बदल जाए पता नहीं लगता। कुंती निवार सुमती के संगी कंचन वरण वराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा वराजे कांधे मूंज जने। हनुमान जी के श्रृंगार का वर्णन किया है। कोई ये ना समझ ले कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है तो ओघड़ जैसे रहते होंगे, हनुमान जी सदैव सुसज्जित श्रृंगारित और व्यवस्थित रहते हैं। पर हनुमान जी अपने भक्तों से भी ये उम्मीद करते, तैयार रहा करो, सौंदर्य बोध परमात्मा तक पहुंचने में साधक है, बाधक नहीं है। हम लोगों का एक मनोविज्ञान होता है, किसी बड़े कार्यक्रम में जाना हो, किसी बड़े आदमी से मिलना हो, किसी शादी ब्याह में जाना हो, तो उस दिन देखियो दुनिया भर के वस्त्र अलंकार लपेट के जाते हैं। जब तक दो चार लोग तारीफ रहे रहे कुछ की तो तबीयत बिगड़ने लगती है। और आदमी को मंदिर जाना हो तो सबसे साधारण वस्त्र में मंदिर जाता है, ये सोच के कि यहां कौन देखने वाला। लेकिन याद रखिए, दुनिया के सबसे बड़े मालिक के दरबार में जब जाया करें, जरा तैयार होके जाइए, भगवान को श्रृंगारित भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। और ऐसे फटीचर कपड़ों में जाओगे तो भगवान को लगता है इसका टेस्ट ऐसा ही है, तो फिर वैसा ही बना देता है। बहुत बढ़िया। इसलिए भगवान के दरबार में जाए तो जरा तैयार होके जाइए। हमारे हनुमान जी महाराज को तो खुद भी अपडेट रहते हैं और अप टू डेट रहते हैं, और हनुमान के भक्त को तैयार रहना चाहिए। श्रृंगार का भी एक बोध है। फिर हनुमान जी का श्रृंगार देखिए कैसा है, कंचन वरण विराजे सुवेशा, सोने जैसी सुगंधित देह है, सुंदर वस्त्र पहने हुए, घुंघराले बाल, गले में मुचकी माला, कांधे पे जनेऊ है, हाथ में ध्वजा और वज्र, हनुमान जी का श्रृंगार है। ऐसा सुंदर श्रृंगार है, कंचन वरण वराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा वराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेल प्रताप महाजन नंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करीबे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजन नंदन। इन पंक्ति के दो अर्थ है, शंकर सुवन केसरी नंदन। एक तो विद्वान लोग कहते हैं आप स्वयं शंकर हैं, और दूसरा आप शंकर के बेटे हैं, सुवन मतलब बेटे। और बात ठीक है, हनुमान जी रुद्रा अवतार है, क्या परिवार है हमारे शंकर जी महाराज का, एक से एक बेटे, कार्तिकेय देवताओं के प्रतिनिधि, गणेश जी सब कुछ, हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, क्या बेटे हैं शंकर जी के। गणेश जी और हनुमान जी को देखिए, दोनों लोग देवता, दोनों घर घर में पूजे जाते हैं, दोनों को सिंदूर चढ़ता है, एक को स्मरण किए बिना कोई कार्य आरंभ नहीं होता और दूसरे को याद किए बिना कोई कार्य खत्म ही नहीं होता। क्या परिवार है दोनों का। और जैसे भोले भाले हमारे शंकर जी है ना, बस वैसे भोले भाले हमारे हनुमान जी महाराज हैं। आप हनुमान जी महाराज को 40 चौपाई चढ़ाइए, आपके लिए दौड़ा चला आएगा। यदि आप इतना ना कर सकते हो, कोई एक चौपाई चढ़ाइए, हनुमान जी महाराज तब भी आपके लिए आएंगे। यदि आप इतना भी ना कर सकते हो, तो जिस किसी दिशा में हनुमान जी का मंदिर है, मुख करके खड़े हो जाइए, बाबा बजरंगबली तब भी आपकी मदद के लिए आएंगे। और यदि आप इतना भी ना कर सकते हो, तो जहां खड़े हो आंख बंद कीजिए और इनको याद कीजिए, बाबा बजरंगबली तब भी आपकी मदद के लिए आएंगे। इनका नाम हनुमान है, बिना किसी कारण किसी की मदद करने वाले का नाम हनुमान है, अहेतु की कृपा करते हैं। और जैसे भोले हैं शंकर जी, बस वैसे हमारे शंकर जी बहुत भोले हैं देव। भोलापन आजकल मूर्खता की निशानी हो गया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान वो फरमाई कहीं रख के भूल गए जिसमें भोले लोग पैदा हुआ करते थे। सही है। अब तो जो देखो वो ही आंखा बाका चला रहा है। कोई एक हाथ बच्चा ठिकाने से पैदा हो जाए तो मार पीट करके माता पिता उसको आड़ा टेढ़ा बना देते हैं। लेकिन बजरंग बली को भोले लोग बहुत पसंद है, खुद भी भोले हैं। और मैं तो महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूं। आपने कभी बाबा महाकाल के दर्शन किए हो, भोलापन देखिए आप। चलिए अगली चौपाई में चले, एक बार शंकर जी को इस कथा में भोलेपन से याद कर ले। एक चोर को चोरी करना थी तो गर्भ गर्भ में प्रवेश कर गया, और जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा यहाँ क्या चुरा, क्योंकि शंकर जी के गर्भ गर्भ में तो न कोई पेटी, न अलमारी, न श्रृंगार का साधन। तो चोर को लगा अभी तो खाली आ जाएंगे, पर नजर पड़ी कि शिवलिंग के ऊपर किसी भगत ने चांदी की जलाधारी दान कर रखी,
चोर ने सोचा उतारो यही बेच खाएंगे कुछ न कुछ मिल जाएगा, पर चांदी की जलाधारी ऊपर हाथ नहीं पहुंचता। चोर ने इधर उधर नजर डाली, न कुर्सी न कोई टेबल, तो चढ़े किस पे? चोर ने देखा एक बात तो तय है कि कोई नहीं देख रहा, सीधे शिवलिंग पे चढ़ गया। और जैसी चढ़ के चांदी की जलाधारी को छुआ तो भोलेनाथ एकदम प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा भगत मैं प्रसन्न हुआ, बोल क्या मांगता है? अरे चोर ने कहा मांगना तो दूर, अभी तो मैं चोरी करके पकड़ा गया महाराज, गलती हो गई, जिंदगी में दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा, आप तो जाने दो। भोलेनाथ ने कहा सुन तो सही मेरी बात, मेरे ऊपर लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, प्यारे तू पहला मिला जो खुद ही चढ़ गया। जैसे भोले वाले हमारे शंकर जी हैं, बस ऐसे भोले वाले हनुमान जी हैं। आप एक क्षण याद करिए, 24 घंटे आपके लिए ऐसा भोला भाला देवता किसकी मदद के लिए नहीं आएगा? शंकर सुमन के प्रताप महाजगबंधन और विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करिवे को आदर, तीन बातें हनुमान जी के लिए लिखते हैं तुलसीदास जी और हनुमान के भक्तों से उम्मीद करते हैं। हनुमान का भक्त विद्यावान गुणवान और चतुर होना चाहिए। विद्यावान गुणी अति चतुर, विद्वान, विद्यावान का अर्थ होता है पढ़ा लिखा शिक्षित। ये विद्या का समय है, शिक्षा का युग है, पढ़ने लिखने का दौर है सज्जनों देवियों। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है आज की तारीख में। और हनुमान जी स्वयं बहुत पढ़े लिखे देवता थे, कोई ये भ्रम न पाल ले कि हनुमान जी पत्थर पे लपेटे हुए सिंदूर मात्र हैं, कोई ये भूल न कर ले कि हनुमान जी राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक है, कोई ये गलती न कर ले कि हनुमान जी राम लीला का उछल कूद करने वाला छोटा सा पात्र है। हनुमान जी परम विद्वान थे, शिक्षा की उच्चतम अभिव्यक्ति का प्रतीक थे। रोम रोम में हनुमान जी के वेद शास्त्र पुराण भरे थे, जब शब्द उच्चारित करते थे तो बड़े बड़े विद्वान नमन करते थे। रावण जैसे पंडित को कहना पड़ा मिला हम ही कभी गुरु व ज्ञानी। जब पहली बार श्री राम मिले तो लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं इसकी बुद्धिमानी, इसका वाक चातुर, इसका कौशल, इसका ज्ञान देख ऐसा लगता है कि किसी ने चारों वेद रटी हो, शास्त्र रटी हो, ऐसा अद्भुत वक्ता। ऐसे हनुमान जी परम विद्वान थे और हनुमान के भक्त को भी ऐसा ही पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप इसे पहलवान मत समझना, आप हनुमान को कोई योद्धा मत मान लेना, आप हनुमान को मात्र पत्थर का प्रतीक मत समझना। ये जीवन का वो हिस्सा है जहां विद्वत्ता से हासिल किया जाता है, जहां बुद्धिमानी काम करती है। हनुमान खूब शिक्षित थे और हनुमान के भक्तों को भी खूब पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने लिखने का युग है। जहां तक आपका बस चले, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके नगर में और आपके राष्ट्र में कोई निरक्षर न रहे। निरक्षरता बोझ है, निरक्षरता पाप है। स्वयं पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं एक निवेदन हमेशा करता हूं सज्जनों देवी, आज आपसे भी कर रहा हूं, अपनी हैसियत के बाहर जाके कपड़े मत पहनना, अपनी हैसियत के बाहर जाके खाना मत खाना, अपनी हैसियत के बाहर जाके मौज मस्ती मत करना, अपनी हैसियत के बाहर जाके शादी मत करना, पर अपनी हैसियत के बाहर जाके बच्चे पढ़ाना पड़े तो जरूर पढ़ाना। शिक्षा का कोई और इसका सीधा सा अर्थ है हमारे बच्चों के हाथ में हनुमान और हनुमान चालीसा सौंपिए, फिर देखिए विद्या का क्या अर्थ है। लेकिन तुलसीदास जी को याद था विद्यावान गुणी लिखा है। आदमी विद्वान हो तो गुणवान भी होना चाहिए। आज कई पढ़े लिखे लोग दुर्गुण पाल लेते हैं, और शिक्षित आदमी जब दुर्गुणी होता है तो समाज के लिए बड़ा घातक होता है। हम रावण को देख चुके हैं, क्या कम विद्वान था रावण? लेकिन दुर्गुण पाल लिए तो समाज आज तक उसकी कीमत चुका रहा है। आदमी विद्वान हो तो गुणवान भी होना चाहिए। फिर तुलसीदास जी को याद आया कि विद्वान और गुणवान हो तो घर में बैठा रह जाते हैं बहुत सारे लोग, एक और चाहिए, चतुर भी होना चाहिए, थोड़ा क्लेवर हो, इंटेलिजेंट हो। फिर तुलसीदास जी को याद आया कि कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ेगी, तो इसी के साथ लिखा अति चातुर्य, एक्स्ट्रा क्लेवर में इसका समय अति शब्द लिखा, ये छोटे मोटे से काम चलने वाला भी नहीं है। मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि पहले के समय में किसी बच्चे को, जब मैं विद्यार्थी था, 60% मार्क्स आते तो फर्स्ट डिवीजन पास होता, सारे मोहल्ले में माता पिता मिठाई बांटते, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। आजकल बच्चों की मार्कशीट 90 से 100 के बीच में चलती है। 89% जिस बच्चे को आते हैं घर आके दहाड़े मार के रोता है, दो चार चपत माता पिता अलग रसीद कर देते। 89 वाले घर में पिट रहे हैं,
घोर कंपटीशन का युग है सज्जनों देवियों। जो माता पिता अपने बच्चों की मार्कशीट 90 से नीचे नहीं चाहते, वो समय रहते बच्चों के हाथ में हनुमान जी और हनुमान चालीसा सौंप दीजिए। हनुमान जी परम विद्वान हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने से बच्चों के सांस से चौपाई के जुड़ते ही विचार शून्य होंगे। मन विचार शून्य हुआ, मेमोरी लेवल हाई हुआ, और जैसे ही मेमोरी लेवल हाई हुआ, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम गई, और यहीं से विद्यार्थी एक बार जो पढ़ता है तो जिंदगी भर नहीं। ये हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक प्रभाव है। मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा कि बच्चों के दादा पिता और माता करते थे तो तुम भी करने लगो, कोई कारण है। यह अभिमंत्रित मंत्र है, ये वायु के देवता का आह्वान है जिससे प्राणायाम सत्ता है और यहीं से बुद्धि परिष्कृत होती है। ये विषय कभी आगे लेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो बच्चों के साथ हनुमान चालीसा और हनुमान जी जोड़ने का अर्थ उनको श्रेष्ठ विद्यार्थी बनाइए। हनुमान जी स्वयं पढ़े लिखे थे, और नहीं अगर आज हमने बच्चों के हाथ में हनुमान जी नहीं सौंपे तो हम पछताएंगे। मैं कई घरों में कई परिवारों से मिलता हूं, अधिकांश माता पिता की समस्या ये है और शिकायत भी कि बच्चे कहना नहीं मानते, जिद्दी हो गए, तोड़ फोड़ करते हैं, कोई बात समझाओ तो सुनते नहीं है। एक सवाल मैं सभी माता पिता से पूछता हूं, आज आपसे भी पूछ रहा हूं, कितने माता पिता ऐसे हैं जिनके घर में 16 साल की उम्र के बच्चे हों, क्या वो जानते हैं कि जब आपका 16 साल की कम उम्र का बच्चा रात को सो रहा है तो ठीक नींद आने के पहले उसका अंतिम विचार क्या था? जिन माता पिता को अपने बच्चों के ठीक नींद आने के पहले के अंतिम विचार की जानकारी न हो, वो माता पिता उम्मीद भी छोड़ दें कि बच्चे उनके आचरण से चलेंगे। ये बात बड़ी गंभीर है, लेकिन इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब इस उम्र का बच्चा ठीक नींद लेता है रात को, उसका जो लास्ट थॉट है जस्ट बिफोर स्लीप, आपको मालूम होना चाहिए, और उसको भी। इसीलिए ये बच्चे जब हनुमान चालीसा की चौपाइयों को पढ़ते हुए सोएंगे तो हर चौपाई उनकी सांस से रात को मल्टीपल होकर उनके व्यक्तित्व को बदल देगी, क्योंकि वो मंत्र है, उसका पान करेंगे वो। इस व्यक्तित्व का यशगान उनके भीतर उतरने का अर्थ है, इस व्यक्तित्व की खूबियां उसके अंदर उतरना, और वो बच्चे सुबह एक अलग ही तेज ओजर उत्साह से उठेंगे। इसलिए प्रयास करिए, जो बच्चे जिद से न पढ़े उनके माता पिता हनुमान चालीसा पढ़ते उनके मस्तक पे हाथ फेरे, आपके बच्चे शांत होंगे, सौम्य होंगे, बुद्धिमान होंगे और आज्ञाकारी हो जाएंगे। ये करके देखिए, जिन्होंने किया उनको परिणाम मिला। केवल बच्चों को शब्दों से या अनुशासन के डंडे से आप नहीं समझा सकते बहुत समय तक। बच्चे यदि सबसे ज्यादा सीखते हैं तो माँ बाप के आचरण को देख के। अब तो माता पिता को खुद ही समझ नहीं सोते समय बच्चों को क्या हनुमान चालीसा। लेकिन ये बहुत जरूरी बात है, अगर आप भविष्य अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो, आने वाली पीढ़ी को यदि कमान ठीक से सौंपना चाहें तो उनके निद्रा के पहले के विचार पे आपका नियंत्रण होना चाहिए और हनुमान चालीसा की चौपाई के माध्यम से। और नहीं तो एक दिन ये पीढ़ी, ये बच्चे बड़े होकर हमसे ही सवाल पूछेंगे, हम तो उस समय नादान थे, आप तो होश में थे, आप तो संभाल लेते, और हमारे पास जवाब नहीं होगा। जरा सा चूके तो बच्चे जीवन के अर्थ ऐसे उठा लेंगे कि जवाब देते नहीं मिलेगा। पिछले दिनों मुझे एक नई पीढ़ी के बच्चे ने कैसे मिस किया, उपनिषद का क्या वाक्य है, तमसो मां ज्योतिर्गमः, तमस से प्रकाश की ओर चलने का आह्वान किया है इस उपनिषद के वाक्य में ऋषि ने, तमसो मां ज्योतिर्गमः। तो पिछले दिनों नई पीढ़ी के एक बच्चे ने हमको SMS से एक संदेश भेजा, तमसो मां ज्योतिर्गमः का नया अर्थ उसने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं। उसने मुझसे कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमः का नया अर्थ है, तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। ये ठीक है, ये ठीक नहीं हो सकता सज्जनों देवियों। जिस दिन जीवन का अर्थ ये बच्चे इस तरह से उठा लेंगे, इनका जीवन विकृत हो जाएगा और विचलित हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि ये बच्चे जीवन का अर्थ गीता से, रामायण से और महाभारत के पंक्तियों से उठाएं, और नहीं तो जिंदगी में इस चूक के लिए हमको कभी प्रकृति और परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। इसलिए सावधान हो जाइए, हनुमान जी विद्वान है, विद्या के देवता है, विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करिवे को आतुर शब्द लिखा। तुलसीदास जी बड़े चुन चुन के शब्द लाए, आतुर का मतलब है जज्बा, एक बेचैनी, एक ललक, एक तप, जब तक आपके भीतर नहीं होगी आप जीवन में परमात्मा नहीं उतार सकते, जीवन का अर्थ नहीं समझ सकते। आलस्य से नहीं मिलता भगवान, एक आतुरता होना चाहिए। राम काज कर भी एक बात, और राम काज का क्या अर्थ है? तिलक लगा लिया, मंदिर चले गए, शिखा रख ली, कथा सुन ली, तीर्थ हुआ है जी नहीं,
राम काज करते पूरी ईमानदारी निष्ठा और परिश्रम से अपना काम करना राम काज है और हनुमान का भक्त उसके लिए आतुर होना चाहिए। राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन में सिया। अब भगवान श्री राम जी के चरित्र को सुनने में रसिया है, तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रसिया लिख दिया और ठीक बात है हनुमान जी रसिया है। देखिए कथा तीन तरीके से सुनी जाती है, सुरता समझदार हो, हरि का दास हो, रसिया हो। यदि आप रसिया नहीं, रसिया का अर्थ रसाभोर रहना, रसिया का अर्थ प्रसन्न रहना, रसिया का अर्थ जीवन में कभी नीरसता नहीं आए। कुछ लोग भीतर से इतने नीरस हो जाते हैं और फिर कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, संभव ही नहीं है, भक्त कभी नीरस नहीं हो सकता। रसाभोर रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। जो हनुमान का भक्त है वो रसाभोर रहता है, रसिया होता है। कभी नीरस मत हो हनुमान की भक्ति करते हुए, और हमारे जीवन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जो हनुमान जी ने नहीं देखी होगी। जो जो संघर्ष हमारे जीवन में वो सब हनुमान जी ने किया, और हनुमान जी हमको बताते हैं देखो मैंने इसका सामना ऐसे किया तो तुम भी करो। आप सुंदरकांड देख लीजिए, किष्किंधा कांड देख लीजिए, लंका कांड देख लीजिए, उत्तरकांड देख लीजिए, जीवन के सारे जवाब मिलेंगे आपको। और हनुमान जी हमेशा कहते हैं कोई भी काम करो तो हनुमान जी का नारा है, सुबह के शाम अपनों से मिले के घरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, हनुमान जी महाराज कहते हैं जरा मुस्कुराइए, ये हनुमान जी का नारा है तो जरा मुस्कुराइए ना। मैं भी आप ही से कह रहा हूं, आप सब तो कोई सामूहिक उठावने में आ गए ऐसा लग रहा है। अरे जरा मुस्कुराइए सज्जनों, देवियों हनुमान जी की भक्ति करने निकले हैं तो जरा मुस्कुराइएगा एक बार। देखिए हनुमान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली होठ से मुस्कान, दोनों काम एक साथ करिए। मुस्कुराना मत छोड़िएगा सज्जन, हालांकि आजकल मुस्कुराने में बहुत तकलीफ होती है, दूसरों को देख के मुस्कुराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, झंझट शुरू होती जब अपनों को देख के मुस्कुराना पड़ता है। मैं तो मंत्र की तरह रोज ये दोहराता हूं आजकल, रोज मैं कहता हूं मुस्कुराना छोड़िए। मैंने पता नहीं कभी आपको घटना सुनाई हो, सत्य घटना, एक पति पत्नी से मेरा संबंध था। उन्होंने कहा पंडित जी घर आई हम भी पहुंच गए, मुझसे एक भूल हो गई, मैंने उनको सूचना नहीं दी और उनके ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया। अंदर के कमरे में पति पत्नी में घटपट चल रही, दोनों उलझ गए और लड़ते लड़ते दोनों की सुर इतने ऊंचे हो गए कि मुझे लगा कि इनके लंबी चल जाए, अपने आने की सूचना देना चाहिए। मैंने टेबल खटखटाई, लड़ते हुए पति पत्नी को सुनाई दिया, उन्होंने कहा ये तो पंडित जी आ गए और आप ये तो महाभारत चल रही। दोनों ने लड़ना बंद किया, दरवाजे का पर्दा हटाया, मुझे देखा और दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। मैंने कहा कमाल है, लड़ना खुद के लिए, मुस्कुराना दूसरे के लिए। और सभी लोग यही कर रहे हैं, आपस में पंगा और दूसरे को देख के ऐसी स्माइल देते हैं कि कुछ ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। लोग अपने काम धाम पे निकलते हैं, जो मिले उसको देख के मुस्कुराते दिन भर, और रात को जब घर आएंगे तो ऐसे सीरियस एंट्री लेंगे घर में, सौ जूते खा के चले आ रहे हैं, घर वालों को देख के नहीं हंसते। एक सवाल सारी दुनिया में पूछता हूं, कई बार आपसे पूछा, जब जब आया और जब जब आता हूं पूछता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए सवाल नहीं है मंत्र है। बार बार लोगों से पूछता हूं, आज आपसे फिर पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं आप में से जो सुबह ही सुबह जब अपने घर में उठते हैं और उठते ही जिस किसी का मुंह पहली बार देखते हैं तो क्या आप उसको देख के मुस्कुराते हैं? एक सवाल है मेरा आपसे। भाई साहब लोगों से हमने सारी दुनिया में पूछा कि भाई साहब सुबह सुबह आप उठते हो, भाभी जी का मुंह देखते हो तो क्या भाभी जी को देख के मुस्कुराते? भाई साहब लोग हमसे बोलते इसको देख के कौन मुस्कुराए, इसको देख के मुस्कुराओ तो माथे चढ़ जाएगी, लिफ्ट ले लेंगे। आदमी अपनों को देख के नहीं मुस्कुरा, अपनी घर वाली को देख के नहीं मुस्कुराएगा, और पड़ोस की भाभी जी से बहुत अच्छे से अपनी वाली दिख जाए तो मुस्कान 6 महीने पेटी में बंद। अच्छा भाई साहब की छोड़ो, हमने भाभी जी लोगों से पूछा है, भाभी जी आप भाई साहब को देख के मुस्कुरा लीजिए,
भाभी जी लोग हमसे बोलती इनको देख के क्या मुस्कुराना, जिंदगी में रोना ही इनके नाम का। पर मेरा आपसे निवेदन है सज्जनों देवियों, अपने घर में मुस्कुराना सीख जाइए। जिस क्षण आप मुस्कुराते हैं परमात्मा मुड़ के आपकी ओर चलने लगता है, भगवान को हंसते चले बहुत अच्छे। इसलिए पूरा का पूरा ही चला आता है और घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। घर के सदस्य तो एकता मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं, समानता मांगते हैं और आदमी बड़ा का बड़ा ही चला आता है। हनुमान जी से सीखिए, जूते चप्पल की तरह अपना अहंकार, अपनी उच्चता, अपनी अकड़, अपनी ऐठ, अपनी आयु और अपना अनुभव छोड़ के आइए। घर आइए तो जीवन साथी के साथ बराबर और बच्चों के साथ बच्चे होके व्यवहार करिए, तब घर चलते। लोग बड़े के बड़े ही चले। हनुमान जी से सीखिए कहां बड़ा होना और कहां छोटा होना। इन पंक्तियों का एक और अर्थ है सूक्ष्म रूप से ही दिखावे का, अपने निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन से अहंकार मिटा दीजिए। सज्जनों देवियों विनम्र हो जाएं, अहंकार कुछ नहीं देता, अहंकार तोड़ता नहीं, बिखेर देता है, बर्बाद कर देता है। अहंकार शून्य जीवन जोड़ता है, अहंकार से जीवन टूट जाता है, अहंकार को अपने जीवन में मत आने दे। और सच तो यह है कि किस बात का अहंकार पालता है आदमी, है क्या आदमी? पिता के वीर की एक बूंद और माता के रज के कण से बना हुआ यह शरीर जब समाप्त होता है तो एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। इससे ज्यादा आदमी की औकात नहीं है। किस बात का अहंकार पालता है? वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। किस बात का क्या है आदमी के पास? किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, लोग सत्ताओं पे गद्दी पे बैठ जाते हैं अहंकार चढ़ जाता है। है क्या वो शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। न तख्त रहते न ताज न राज रहता न अंदाज, बड़े बड़े वक्त की आंधी में उड़ गए, अच्छे अच्छे समय के बही खाते में जमा खर्च हो गए। किस बात का अहंकार पालता है? आप में से जिन लोगों ने शतरंज खेली होगी वो एक बात जानते होंगे, जब बाजी खत्म होती है और बिसात उठती है तो बादशाह और प्यादे डिब्बे में बंद हो जाते हैं। किस बात छोड़ दीजिए सज्जनों देवियों, यह अहंकार किसी के काम नहीं आएगा। एक और बात, यह अहंकार जब बाहर से चल के घर में आ जाता है और घर के सदस्यों में प्रवेश कर जाता है तो एक नई समस्या हमारे घर के सदस्यों के बीच शुरू हो जाती है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस, हिंदी में पहचान का संकट। पति पत्नी के बीच मैं बड़ा तू छोटी, भाई भाई के बीच बाप बेटे के बीच बड़े छोटे का झगड़ा शुरू होता है, घर टूट जाता है। देखा हमने, ये तो हम लोग मुखोटा मोड़ के जीने में माहिर हैं, तो घरों में क्या चल रहा है पता नहीं लगने देते हैं, पर हम ही जानते हैं। हम लोग कहावत है, पहले घर घर में बर्तन बज रहे हैं। कहावत सुनी होगी, हालांकि इस कहावत का आजकल कोई महत्व नहीं है, आदमी खुद ही इतना बज लेता है कि बर्तनों की जरूरत ही नहीं रही। पर अहंकार आया और घर टूटे सज्जनों देवियों, अहंकार आया और सब परिवार बिखर जाते हैं। अहंकार को अपने जीवन में मत आने दीजिए। आप में से जिन लोगों ने थर्मस का इस्तेमाल किया होगा वो एक बात जानते होंगे, थर्मस की सारी विशेषता उसके भीतर एक कांच होता है उसमें होती है। हाथ से थर्मस गिर जाए और भीतर का कांच टूट जाए तो थर्मस किसी काम का नहीं रहता। अहंकार हमारे जीवन और घर में आए तो क्या स्थिति होती, इस पे कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। अहंकार के कारण हमारे घरों की हालत क्या हो गई, टूटे थर्मस सा हुआ अब अपनों का प्रेम, भीतर बिखरा कांच है और बाहर सुंदर फ्रेम। बस ऐसे ही हमारे भीतर तेरे मेरे का षड्यंत्र है, भीतर अहंकार की बोली है और ऊपर ही ऊपर सब चल रहा है, ये नहीं चलेगा। जो हनुमान के भक्त हों, जो परमात्मा को मानते हो, उनके जीवन में केंद्र में परमात्मा होना चाहिए और परिधि पे संसार पटकी। हम उल्टा करते हैं, हम केंद्र में संसार रखते हैं और परिधि पे भगवान को पटक देते। बस यहीं से गलती हो जाए, थोड़ा सा स्थानांतरण कर दीजिए। केंद्र में परमात्मा हो, परिधि में संसार हो, आपका घर बैकुंठ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं किसने कब स्वर्ग देखा है, यही इसी धरती पे हमारी छत के नीचे है, लेकिन आधार भगवान होना चाहिए।
इसलिए अहंकार मिटा दीजिए सज्जनों देवियों, अहंकार किसी काम नहीं आता, ये अहंकार तोड़ देता है। सूक्ष्म रूप से ही दिखावा विकट रूप धरी लंक जनावे, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के कहा संवारे, लाए सजीव लखन जी आए, श्री रघुवीर हर श्री लाए। संजीव की बूटी ला के आपने लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर की तो भगवान ने आपको हृदय से लगा लिया। भगवान जब किसी को हृदय से लगाते हैं तो भगवान का कायदा स्वयं को उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं। कहाँ रहता है भगवान? अगर आप भगवान का पता जानना चाहें तो भगवान का पता ना तो वैकुंठ है ना क्षीर सागर है, भगवान का पता है केयर ऑफ डिवोटी। एक बार भगवान वैकुंठ में बैठे हुए थे, कुछ परेशान से थे, तो देवता निकले वहां से। देवता ने भगवान को देखा तो देवताओं ने पूछा, प्रभु आपको भी टेंशन हो जाता है, क्या बात है? अरे भगवान ने कहा, क्या बताऊं, हजारों साल से दुनिया बनाई मैंने, जिसने जो मांगा मैंने दिया उसको, और पिछले 5-10 साल से कुछ ज्यादा ही परेशान हूं मैं। जिसने जो मांगा, किसी ने अगर ट्रांसफर करा दो करा दिया मैंने, कोई कहता है पोस्टिंग करा दो, कोई कहता है धंधे में उछाल ला दो, कोई कहता है शेयर ठिकाने के लगा दो, कोई तो कहता है सास ठीक ठाक दे दो, कोई बोलता है बहू की अकल ठीक कर दो, और किसकी कैसी कैसी मांग पूरी करूं। करता रहा बहुत परेशान हो गया। कुछ दिन ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां आराम से रह सकूं। देवताओं ने कहा, सारी दुनिया आपने बनाई, कहीं भी चले जाइए, आपको क्या दिक्कत है? भगवान ने कहा, दिक्कत ही तो यह है, जहां जाता हूं भगत पीछे पड़ जाते हैं। अरे भैया, पहले कोई 10-15 मोहल्ले में एक मंदिर होता था, आज लोगों ने एक ही मंदिर इतना बड़ा बना दिया कि 10-15 मोहल्ले घुस जाए। सुबह से रात तक रज जगह चल रहे हैं, सभा मंडी चल रही है, कथाएं चल रही है, कीर्तन चल रहे हैं, चैन नहीं लेने देते। कोई ऐसी जगह बताओ जहां शांति से बैठ जाऊं। भगवान के सलाहकार नारद जी निकले वहां से, उन्होंने भगवान के कान में कहा, एक जगह बताता हूं वहां बैठ जावा, नो टेंशन। भगवान को उन्होंने जगह बताई और भगवान वहां जाके बैठ गए। आज तक आराम से बैठे, कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप जानना चाहते हैं नारद जी ने भगवान के कान में वो कौन सी जगह बताई जब भगवान आज भी तसल्ली से बैठे? नारद जी ने भगवान से कहा, आप कहीं मत जाओ, आदमी के हृदय में बैठ जाओ। आदमी कथा में चला जाएगा, सत्संग में चला जाएगा, मंदिर चला जाएगा, तीर्थ चला जाएगा, अपने भीतर नहीं जाएगा। जो अपने भीतर गया उसको उसका भगवान मिला, बाहर भगवान नहीं मिला करते, माफ करना, अपने भीतर गया। और भगवान आज भी हमारे भीतर बैठा, इसको कहते हैं स्वभाव में जीना। अपने भीतर उतरना पड़ेगा सज्जनों देवियों। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिव लाए, रघुपति की नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस भजन तुम रो इस गावे, अस्पे शिवपति कंठ लगावे, संकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा, यम कुबेर दिक्पाल, जहां ते कवि कोविद कह सके कहां ते तुम उपकार, सुग्रीव है की ना राम मिलाए, राजपति नाम तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। इन पंक्तियों में हनुमान जी की तुलसीदास जी ने जम की प्रशंसा की, और हनुमान जी अपने जीवन में कभी किसी से नहीं घबराए, एक बात से परेशान होते, प्रशंसा सुनने से। हनुमान जी को पिताजी सुनना पसंद नहीं। हनुमान जी कहते हैं, मदिरा की तरह होती प्रशंसा, और प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। ये जो मुंह वाली पीते हैं ना, 2-4 कदम चलोगे लड़खड़ाओगे निपट जाओगे, लेकिन कान से जिसने ये प्रशंसा की मदिरा की, उसका पूरा व्यक्तित्व लड़खड़ा जाता है। और अब हनुमान चालीसा में दो पात्रों की चर्चा आई है, सुग्रीव और विभीषण, और ये दोनों पात्र हमसे बहुत मिलते जुलते, हमारी जीवन शैली हाव भाव सुग्रीव और विभीषण के बड़े नजदीक हैं। आप सुग्रीव की कथा जानते हैं, अपने भाई बाली से परेशान था, भगवान से मैत्री कराई हनुमान जी ने, भगवान ने बाली को मारा, सुग्रीव को राज दे दिया। सुग्रीव ने भगवान से कहा, आप प्रवशन पर्वत पे चले जाइए, 4 मास बाद सीता जी की खोज में बंदर भेजूंगा। भगवान तो सीधे साधे तो चले गए। अवधि बीत गई, सुग्रीव को राम काज और राजकाज देना था, सुग्रीव भगवान का काम भूल गया। ऐसा होता है, आदमी को राजकाज मिल जाए तो आदमी राम काज भूल जाता, सुग्रीव भी भूल गया। वो तो एक दिन भगवान को याद आया जब अवधि बीती, भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव सुधी मोरी विसारी पावा, राज कोष पुर नारी। सुग्रीव को राज्य राजधानी स्त्री और कोष मिल गया तो मुझे भूल गया, जिन साया मारा में बाली। भगवान श्री राम को वैसे तो क्रोध नहीं आता, उस दिन आ गया, जिन साया मारा में बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा, तही सरहदो मूड़ कह काली, कल उस मूर्ख को इसी बाण से मारूंगा सुग्रीव को, जाओ लक्ष्मण ले के आओ। तो लक्ष्मण जी चले, उनको तो मारपीट के काम पहले भी पसंद थे, उन्होंने कहा ये असाइनमेंट बहुत बढ़िया दिया, अभी चलाओ।
और जैसे लक्ष्मण चल भगवान को लगा क्यों रही है तो उत्तेजित स्वभाव, क्यों कोई लंबी मारपीट ना कर ले। उन्होंने कहा लक्ष्मण रुक रुक। लक्ष्मण जी ने कहा क्या है प्रभु? बोले मारपीट मत कर भैया, प्रेम से समझा बुझा के ले आना। लक्ष्मण जी एकदम ढीले पड़ गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं जानता था आपको ठीक से क्रोध करना भी नहीं आता, अब जाता हूँ। और लक्ष्मण जी ने जैसे ही धनुष बाण की टंकार की, सुग्रीव के द्वार पे सुग्रीव घबराया, हनुमान जी के हाथ जोड़े और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। यह हनुमान जी ने हृदय में विचार किया, राम का सुग्रीव विचारा, सुग्रीव ने भगवान का काम बुला दिया। निकट जानु चंदन सिर नावा, पास में गए सुग्रीव के चरणों में हनुमान जी ने प्रणाम किया। चार ही विधि दे ही कही समझावा, चार विधि से सुग्रीव को समझाया। किसी को समझाने की चार विधि होती, साम दाम दंड और भेद। सुग्रीव से कहा आप क्या कर रहे हैं, आपने भगवान का काम बुला दिया। बस सुग्रीव ने नमन किया, हनुमान जी महाराज गलती हो गई, अब तो लक्ष्मण जी आ गए, मृत्यु का बिल्कुल साक्षात्कार कर रहे हैं, आप जाओ उनको समझाओ। सुग्रीव में दुनिया भर के दोष थे, हम लोगों से भी दो चार ज्यादा ही थे, लेकिन उसकी एक खूबी थी, उसने हनुमान जी का पल्ला पकड़ के रखा था। और इनकी एकमात्र कमजोरी भगत की आंख में आंसू नहीं देख पाते। सुग्रीव रोया तो गए, लक्ष्मण जी को समझाया, प्रेम से लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव को ले जाकर फिर से राम से मिला दिया। हनुमान होने का जीवन में अर्थ ही यह है, भूल किससे नहीं होती, गलती किससे नहीं होती। जो गलती सुग्रीव कर गया हम भी अपने जीवन में करते हैं, पर यदि हमारे साथ हनुमान है, हमारी भूल को सुधारेंगे, हमारी गलती को ठीक करके हमें सही मार्गदर्शन देंगे और वापस एक बार वहीं पहुंचाते हैं जहां के लिए हम आए हैं, हम राम के साथ हो जाते हैं। ये हनुमान होने का अर्थ है। हनुमान जीवन में है तो आप समझ लेना कुछ ना कुछ करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे, हमें रक्षा करेंगे। और मिलवा दिया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिला राज पद दिना। फिर कहते हैं तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग, आपके मंत्र से विभीषण को लंका की सत्ता मिल गई। जिन्हें सत्ता पाना हो, जिन्हें सत्ता चलाना हो, आज के लिए एक नई झंझट और है, सत्ता बचाना हो, उनको हनुमान जी के मंत्र बड़े काम के। अभी तो मैं इसका विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, फिर किसी दिन सुंदरकांड पे बैठेंगे तो सुंदरकांड में हनुमान जी ने विभीषण को मंत्र दिया था जिससे सत्ता पाई जाती है और सत्ता मिटाई जाती है। आजकल बड़े काम का है, हम देते भी नहीं फ्री में। तो हमारे पीछे राजनेता पड़ जाए, पर राजनेता के जीवन में हनुमान आए तो सत्ता की सफाई जरूर हो जाएगी। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सत्य जाना जो सत्यजन प्रधानो लीलियो था ही मुगुर फल जानो। 2000 योजन दूर सूर्य को मीठा फल समझ के आपने लपक लिया, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। आप कथा जानते हैं, देवताओं ने मुक्त कराया इंद्र के माध्यम से, जब सूर्य मुक्त हुआ, ये कथा सब आप जानते हैं। हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, सबने वरदान दिया। हनुमान जी के माता पिता को अपने बच्चों को देख के बड़ी चिंता थी, ये बचपन से इतना उपद्रवी तो बड़ा होके क्या करेगा। अच्छा, हनुमान जी के माता पिता को चिंता हुई, ऐसी बात नहीं, आजकल के सभी माता पिता को अपने बच्चों को देख के यही चिंता होती कि ये नौनिहाल बड़े होके करेंगे क्या, ये सबके सब आंख के बोले हो रहे, एकदम टच मी नॉट पीढ़ी है, छू के देखो आप करंट मार। आजकल किसी बच्चे को 15-20 मिनट शांति से बैठा लो, समझ लो भगवान मिल गए। आपके नगर का नहीं मालूम, पर हमारे नगर उज्जैन में स्कूल की 2 महीने की छुट्टी लगती है, और जब बच्चे घर रहते हैं और 2 महीने बाद जब वापस स्कूल जाते हैं तो माता पिता बोलते हैं धन्य गए, अपनी औलादें 2 महीने नहीं संभाल रही लोग। ऐसे बच्चे हो गए, ये सबके सबके संभालना मुश्किल है। हनुमान जी के माता पिता को चिंता होगी कि इस बच्चे का करेंगे क्या। तो हनुमान जी के माता पिता ने सोचा इसको बड़े इंस्टीट्यूट बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं। सभी माता पिता यह चाहते हैं हनुमान जी को लेकर सूर्य के पास ले गए, सूर्य ज्ञान प्रकाश का विश्वविद्यालय, सूर्य देवता के पास गए। उन्होंने कहा हे सूर्य देवता, ये हमारा बच्चा है हनुमान, आप इसके गुरु बन जाए, इसको अपना शिष्य बना लीजिए। सूर्य देवता ने हनुमान जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो बचपन की याद आ गई, दादा ने पूरा ही लपक लिया था। सूर्य ने सोचा ऐसा शिष्य तो बड़ा महंगा पड़ेगा, ये तो यूनिवर्सिटी में रोज रोज की तोड़फोड़ हड़ताल। सूर्य देवता ने एक तर्क निकाला कि विदा करो इसको, कौन पढ़ाएगा। तो सूर्य ने तर्क दिया कि देखो भैया मेरी गति सतत है, निर्बाध, मैं रुक जाऊं ब्रह्मांड रुक जाए, मैं कैसे पढ़ा सकता हूं। पर हनुमान जी भी हनुमान जी तुमने कोई बात नहीं, मैं तो चलते ही चलते पढ़ लूंगा, आप तो पढ़ाओ। अरे सूर्य ने सोचा अच्छा पीछे पड़ गया। एक और तर्क सूर्य देवता ने निकाला कि ऐसे कैसे पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि मैं चलता हूं रथ पे और तू क्या मेरे रथ पे बैठ जाएगा, चलते चलते पढ़ेगा, और गुरु शिष्य तो ऊपर नीचे बैठते हैं। अब तो सूर्य देवता को लगा इस तर्क के बाद कौन टिकता है।
उनका नाम भी बाबा बजरंग बली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रथ पे बैठना, मैं नीचे नीचे पैदल चलूंगा, तब तो पढ़ाओगे। और सूर्य देवता ने कहा तो बचपन से लेकर आज तक वैसा का वैसा ही पीछे ही पढ़ गया मैं। सूर्य देवता ने एक और तर्क निकाला गया, अरे ऐसे कैसे पढ़ लेगा, मैं रथ पे रहा तू नीचे पैदल चलेगा तो तेरी पीठ मेरी और रहेगी, और तो भी विद्याध्ययन नहीं हो सकता क्योंकि गुरु और शिष्य एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। और सूर्य देवता निश्चिंत की उसकी बात तो गया। उनका नाम भी बाबा बजरंग बली, घर से पूरी तैयारी से है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रथ पे बैठना, मैं नीचे नीचे पैदल चलूंगा आपकी ओर देख के, तब तो आप मुझे पढ़ाएंगे। और इतिहास गवाह है कि हनुमान जी ने सूर्य की ओर देख के अपनी पीठ की दिशा से सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और हनुमान हनुमान जैसे विद्वान हुए। और सज्जनों देवियों, सूर्य की ओर देख के विद्या अध्ययन करने का अर्थ है सूर्य के प्रकाश को अपने भीतर उतारना, सूर्य के ओज को स्वीकार करना, सूर्य के प्रताप को ग्रहण करना। इससे कम में जीवन में शिक्षा नहीं आती। जो बच्चे या जो माता पिता शिक्षा दिला रहे हैं अपने बच्चों को, वो एक बात याद रखें, सूर्य की ओर देख के शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ घोर अनुशासन, घोर परिश्रम और घोर समर्पण के बिना जीवन में विद्या नहीं आती। विद्या मौज और मस्ती का विषय है भी नहीं, हनुमान होने का ये अर्थ है बच्चों के जीवन में। इसलिए समय रहते हनुमान उतारिये सज्जनो देवियों, ये देवता विद्या का शिक्षा का देवता है। इसलिए इनके जीवन में और इनके जीवन से जोड़ के बच्चों के जीवन। लेकिन भगवान राम नाम की मुद्रिका मुंह में रखी और समुद्र लांग गए, इसका अर्थ ये है यदि परमात्मा हमारे जीवन में है, हमारी गृहस्थी का आधार है, तो हम अपनी गृहस्थी के सागर को आराम से लांग जाएंगे। और हमारी गृहस्थी का आधार होना भी परमात्मा चाहिए सच्चाई के लिए। और नहीं है तो आप गृहस्थी चलाने के लिए दुनिया भर के प्रयोग करते रहिए, गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी चलती भगवान की कृपा उसके केंद्र में होने से, हमारे वश में चलती तो बैकुंठ कर लेते, नहीं चलती। आज भारत के परिवारों की बड़ी से बड़ी समस्याएं दो है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है पति पत्नी के बीच इस समय घोर तनाव चल रहा है। भारतीय जीवन में ऐसा दौर कभी नहीं आया जब पति पत्नी के बीच अंडर करंट टेंस इतना हो। ये तो मुखोटा ओढ़ के काम चल रहा है तो भीतर क्या है पता नहीं लगने देते, पर इस समय जिस घर में जहां को घोर तनाव है और दूसरा रिश्ता जो दांव पे लगा है माता पिता और बच्चों के बीच के संबंध, ये दो रिश्ते इस समय दांव पे लग गए हैं और ये नहीं बचे तो परिवार नहीं बचने वाला है। 20 साल बाद इस देश के पास जब सब कुछ होगा उस समय परिवार भी होना चाहिए। हम अमेरिका का मॉडल हूबहू अपना चुके हैं, लेकिन 20 साल बाद हमारे पास अमेरिका जैसा विकास हो, पर ऐसा ना हो कि जो परिवार का ढांचा अमेरिका का टूट गया हमारा भी टूट जाए। हमें परिवार बचाना है, इसलिए इस रिश्ते को भी बचाना है। आज पति और पत्नी के बीच प्रेम का संबंध निर्वहन देखना हो तो हनुमान जी बीच में होना चाहिए। ये प्रेम का प्रतिनिधि देवता है तो ब्रह्मचारी, लेकिन हमारे पर इधर उधर घंटे ताबीज फंडे से घर गृहस्थी नहीं चलती। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि इसमें खुद ही समझना पड़ता। एक भैया था, उसकी शादी होने जा रही थी। अपने यहाँ क्या है, शादी के मामले में फोकट में सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं। उसको भी दी सबने सलाह, उसके कुछ मित्रों की पहले हो गई तो उन्होंने कहा देख हम शादी के मामले में तुझसे हैं सीनियर, तेरे को एक सलाह देते हैं जिंदगी बढ़िया कट जाएगी। उसने कहा दो तो दे दी। और उसको सलाह ये दी कि देख बेटा, जब पहली बार दुल्हनिया का भाभी जी का मुंह देखे तो हम जो बोल रहे हैं वो करना। बोले बोलो आप। तो दोस्तों ने बताया कि कोई सी भी बात शुरू करना आखिरी में बोलना नहीं तो, बस तो बना देना। और उसको रटा दिया कि पहली बार भाभी जी का मुंह देखे तो कहना सुबह ही सुबह मुझे बैड टी पीने की आदत है, नहीं लाई तो चुप हो जाना। मैं जब काम पे जाऊं तो मेरे हाथ में पर्स ला के देना और नहीं लाई तो। भैया जी को सिखा दिया, विवाह हो गया, पहली बार दुल्हनिया का मुंह देखा, मित्रों की सलाह याद आ गई तो पहली मुलाकात में कहा सुन लो मुझे सुबह ही सुबह बैठ के पीने की आदत है और नहीं लाई तो लाने लग गए बेचारे। अगर मैं जब दफ्तर जाऊं तो मेरा पर्स, मेरा रुमाल, मेरी चप्पल, मेरे जूते लाना और नहीं लाई तो लाने लग गए। दफ्तर से जब शाम को लौटूं तो मेरे जूते का फीता खुद ही खोलना और मेरे लिए चाय बना के लाना और नहीं लाई तो। भैया जी का जीवन स्वर्ग हो गया, आराम से कट रही। 6 महीने बीत गए, दुल्हनिया सूख के कांटा हो गई। उनके पड़ोस में बूढ़ी माई रहती। बूढ़ी माई ने देखा कि विवाह होके आई थी तो बड़ी सुदर्शना, बड़ी सुंदर,
और ये तो ऐसी हो गई जैसे वर्षों से बीमार। अच्छा, बूढ़ी माताओं को पड़ोस की बहू में एक्स्ट्रा रुचि होती है। अपनी समले न समले दूसरे में जरूर। एक दिन बूढ़ी माता ने उसको बुलाया कि बेटा इधर आ, तू 6 महीने पहले आई, मैंने तुझे देखा, इतनी सुंदर, इतनी सुदर्शना, लेकिन क्या हो गया तुझे, क्या बात है? ये बूढ़ी आंखें सब पढ़ लेती है, कोई झंझट? भरी पड़ी थी बिचारी, एकदम रोती, अरे माई क्या बताऊं, क्या हुआ? बोले मैं तो इस तो से परेशान, समझ नहीं आता इस तो में क्या है, तलाक दे देंगे, लात मार के बाहर निकालेंगे, आग लगाएंगे, समझ नहीं आता। और ये बूढ़ी माई ने कहा, इतनी सी बात, पहले बताया होता, कितने ही तो का इलाज है अपने पास, ले कान में मंत्र फूंक देती। बस बूढ़ी माई ने उसको कान में समझा दिया कि आज तेरा दूल्हा आए तो जो मैंने बोला वो कर, दे दिया मंत्र। भैया जी की तो बढ़िया कट रही, आ गए शाम को हमेशा की तरह, और आते ही उन्होंने कहा, लाओ मेरे लिए चाय और मेरी चप्पल, और नहीं तो। बुढ़िया से सीख के आई तो उसने कहा, तो क्या क्या के बाद भैया जी को नहीं मालूम। क्या के बाद दुनिया के किसी भी भैया जी को नहीं मालूम। घर में जिस दिन ये क्या की नौबत आई के गए काम से। पति और पत्नी के बीच में ऐसे संबंध होना ही नहीं चाहिए, ये क्या की नौबत आई है। ये रिश्ता सबसे ज्यादा विवादित रिश्ता है और फिर भी बनता ही चला जाता है। भाई कोई प्रोडक्ट खराब हो तो आदमी यूज करना बंद कर दे, दिख रहा लड़ रहे फिर भी जोड़े बने चले जा रहे, क्योंकि ये रिश्ता अपेक्षा पर टिका है। इस रिश्ते की नींव में लोगों ने मांग भर दी। जो रिश्ता प्रेम पर टिकना चाहिए, अपने पन पे, जो देने के लिए बना है वो छीनने के लिए बन गया, तो शांति आना। और इस समय भारत के घरों में पति पत्नी के बीच अंडर करंट घोर टेंस है, क्योंकि पति पत्नी होने के मतलब बदल गए, अब आने वाले युग में तो और बदल जाएंगे। भारत के परिवारों से वो दौर चला गया जब स्त्री पुरुष विवाह के पति पत्नी बनते थे, तो भारत के परिवार बच भी इसलिए गए कि लंबे समय तक भारत के परिवारों की स्त्रियां आर्थिक रूप से न तो स्वतंत्र थी और न सुरक्षित। लेकिन अब हम जैसे बेटे को पढ़ाते हैं वैसे बेटियों को पढ़ाते हैं, कल ये बेटी बड़ी होगी, हर आदमी पढ़ी लिखी पत्नी चाहता है। अब जो विवाह होंगे वो आदमी औरत की शादी नहीं होगी, अब जो शादियां होंगी वो दो कैरियर की मैरिज है, दो महत्वाकांक्षाओं की शादी है, दो कॉरपोरेट की शादी है, दो टेक्नोलॉजी की शादी है, कैरियर की शादी, और ऐसे टूट जाएगी। इसको बचाने के लिए प्रेम चाहिए। अब नहीं चलेंगे घर, जितनी जल्दी रिश्ते बनते हैं उससे जल्दी तो तोड़ने को तैयार है। मैं कई जोड़ों से मिलता हूं, मेरे जिनसे संबंध है, कई बार तनाव होता है तो मुझसे कहते हैं, पंडित जी बस अब होल्ड नहीं होगा, सेपरेशन करा दे, जैसे तैसे चला रहे हैं, बूढ़े माँ बाप दुखी ना हो जाए, खींच रहे हैं। आजकल बातें करते हैं, हमारे तो कई परिचित जोड़े हैं, कई बार एक भाई साहब लोग हमसे आगे बोलते हैं, मेरी पत्नी आपके प्रति बड़ी श्रद्धा रखती है, इसको समझाओ, ना समझती नहीं। कई पत्नी हमसे आके बोलती हैं कि गुरु जी आप इनको समझाओ, बिल्कुल ही नहीं समझते। उनको जो समझाऊं समझाऊं, आपको एक बात समझाता हूं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, पति पत्नी के झगड़े में कभी तीसरे को पढ़ना ही नहीं चाहिए। इनको कोई नहीं समझा सकता आपस में इन दोनों के अलावा, क्योंकि पति पत्नी कैंची के दो पल्ले की तरह है, जो फंसा वही कटा। ये तो आपस में इनको ही रगड़ने दो, थोड़े दिन में घिस घिस के बोटे हो जाते हैं तो सही हो। इसको कोई नहीं समझा सकता, सारी धार दो चार 10 साल और है। बीच में पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कौन समझाएगा, रिश्ता अपेक्षा पे टिका है। बड़ा अद्भुत रिश्ता, बड़ा मनोवैज्ञानिक रिश्ता, इसमें कोई किसी को नहीं समझा सकता। सज्जनों देवी मनुष्य के तो वश में है ही नहीं, क्योंकि आप समझाते हैं विचार से, तर्क से, शब्द से, आक्रमण से, और कौन समझा इससे। हम तो कई बार भाई साहब लोगों को बोलते हैं, कहां घर जाके इनको समझा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। क्योंकि आदमी पति पत्नी जब उलझते हैं तो दोनों एक दूसरे के तर्क, एक दूसरे के विचार, दोनों एक दूसरे की कई घटनाएं सुना के समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता, ऊर्जा और समय नष्ट होता है, कुछ नहीं समझते।
ये शब्दों से नहीं समझने वाला रिश्ता, ये आचरण से जीने का रिश्ता है। और पतियों को तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तुम तो कोशिश करना भी मत। देखो आदमी में अकल होती नहीं है औरत से उलझने की, एक बात तो वो समझता है कि मैं अकलमंद हूं। आप करके देख लेना, आदमी बहस शुरू करता है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, एक एक बिंदु लाएगा और ये ऐसी छलांग मारेंगे कि उसके बिंदु ही गायब हो जाएंगे। मैंने तो कई बार ऐसे भाई साहब लोग देखे कि पंगा हो जाता है तो वो बोलते हैं हमको याद ही नहीं रहती कहां से लड़ाई शुरू हुई, मुद्दा लेके जाते हैं और वो मुद्दा ही रगड़ देती है। कई बार तो मैंने देखा दफ्तरों में कई लोग पॉइंट बना के ले जाते हैं घर, कई भाई साहब पर्ची बना के आज लड़ाई होगी तो देख देख के बोलूंगा, कई तो देख देख के लड़ते पूरा होमवर्क करके गए लेकिन वहां छलांग लग गई। ये पिछले दिन की कोई बात लेके जाता है कि पिछले हफ्ते देखो तुमने ऐसा किया, पत्नी बोलती वो तो छोड़ो 24 साल पहले पहली बार जब तुम्हारे घर में आई तुमने देखा ही नहीं मुझको, इनको पिछले हफ्ते की याद नहीं उनको 25 साल पुरानी याद। माताओं बहनों का चित्रगुप्त का खाता होता है, इनसे मत उलझना, प्रेम से पेश आओ, शब्दों से नहीं जीत सकते। हमने तो कई पतियों को देखा बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तुम्हारे लिए कमा रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, इच्छा होती है तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल दूं, और सोचता कितनी बड़ी बात कह दी। माता उसको देख के बोलती पहले पर्दे तो बदलो, वो आसमान पर लटक रहा है पर्दे पर टांग दे। ये रिश्ता बड़ा मुश्किल है सज्जनों, इसमें अकल नहीं लगा, ये जीने का रिश्ता। इसलिए हम भाई साहब लोगों से कहते हैं समझाने की कोशिश मत करना, एक काम करना, अगर आपको लगता हो पति पत्नी दोनों यदि एक साथ 5 से 60 मिनट हनुमान चालीसा सांस से पढ़ लेंगे, सांस से एक सांस के साथ चौपाई भीतर एक से बाहर, आपका मन विचार शून्य हुआ, मन से पॉजिटिव रेज निकलना शुरू होगी, मन जैसे विचार शून्य होता है उसमें से सकारात्मक ऊर्जा निकलती निकलती है, उस वाइब्रेशन में जो भी आएगा वो प्रेम पूर्ण होगा। अब शब्दों से गृहस्थी नहीं चलेगी, आचरण से चलेगी, प्रेम से चलेगी, अब बहस से नहीं चलेगी, अब ध्यान से चलेगी, मेडिटेशन से चलेगी। और गृहस्थी के लिए मेडिटेशन सबसे बड़ा मेडिकेशन है, इसका इलाज ही एक है, नहीं तो घर टूट जाएंगे सज्जनों देवियों। और हमारे हनुमान जी महाराज तो परिवार के देवता है, ये तो देवता परिवार का है, प्रभु मुद्रिका मेरी माही का अर्थ ही है। लोग कहते हैं ब्रह्मचारी है पर इन्होंने राम जी के सुग्रीव के परिवार के सारे काम किए, हमारे भी करेंगे। और मैं देश दुनिया में जहां भी जाता हूं माताएं मुझसे एक प्रश्न पूछती, क्या हम स्त्रियां हनुमान जी को पूछ सकते हैं? मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हनुमान जी महाराज रिश्तों के निर्वहन करने वाले देवता हैं, आप हनुमान जी से कोई रिश्ता बनाइए, हनुमान जी स्त्री और पुरुष का भेद नहीं मानते, एक नाता मानते भक्ति का, शुद्धि सब जगह जरूरी है। आप हनुमान जी को गुरु बनाइए, बाप बनाइए, बेटा बनाइए, भाई बनाइए। हमने तो आह्वान किया अभी 1 तारीख को रक्षाबंधन में, एक दिन पहले इंदौर से सारी दुनिया में माताएं बहने जिस किसी को राखी बांधे प्रत्येक रक्षाबंधन पे हनुमान जी को राखी जरूर बांधिएगा, फिर देखिए आपकी रक्षा क्या होती है और सुरक्षा क्या होती है। हनुमान जी से रिश्ता बनाइए सज्जनों देवियों, जिन माताओं बहनों के भाई हनुमान जी होंगे ऐसे साले की बहन से कोई जीजा डायरेक्ट ले गए। आप हनुमान जी से रिश्ता बनाइए और एक बार हनुमान जी आपके जीवन में आए आपका आत्मविश्वास जागेगा। हम हनुमान जी के नाम पे इस समय राष्ट्र में 4 बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, रामनवमी के दिन जीवन से जुड़ा रिश्ता करते हैं जिसमें हनुमान चालीसा की व्याख्या करते हैं, एक रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व इंदौर से करते हैं जिसमें हम किष्किंधा कांड के माध्यम से जीवन की समस्याओं से हनुमान जी को जोड़ते हैं, और तीसरा कार्यक्रम 23 अक्टूबर को विजयादशमी की पूर्व संध्या में राजस्थान की राजधानी और आपके प्यारे नगर जयपुर में करने जा रहे हैं। ये वो कार्यक्रम होगा 23 अक्टूबर को, ये कार्यक्रम इस नगर में होगा, सारी दुनिया उसका लाइव टेलीकास्ट टीवी चैनल्स पे देखेगी। 7 से 8 बजे रात को उस कार्यक्रम में
लंका कांड के हनुमान जी की व्याख्या करेंगे कि रावण कैसे मारा जाता है, और सारी दुनिया में और सारे देश में जहां जहां भी विजयादशमी का पर्व होगा उस दिन ये मांग की जाएगी कि जब लाखों लोग दशहरा मैदान पे अपने अपने गांव नगर शहर में इकट्ठे होंगे और रावण को मारेंगे, तो हम सभी समितियों से निवेदन कर रहे हैं रावण मारने के पहले जो भीड़ जो समूह इकट्ठा हो वो लोग एक बार हनुमान चालीसा का सामूहिक गान करें, उसके बाद रावण दहन करें, तब जाके बुराई मरेगी, वरना रावण ऐसे नहीं मरने वाला सज्जन भाई। रावण को मारने के लिए एक बार अपने भीतर का राम और हनुमान जिंदा रखना पड़ेगा। हम इतने बड़े आयोजन करते हैं, बड़े बड़े अतिथि आते हैं, मंत्री आते हैं, अधिकारी आते हैं, कितने लोग आते हैं, इतना समय उनके भाषणों में लगता है, 5 से 7 मिनट। आप भी आह्वान करिएगा अपना जहां जहां भी आपका अधिकार हो कि लोग हनुमान चालीसा पढ़े। इस बार से रावण हनुमान चालीसा के 40 तीरों से मरना चाहिए, वरना हम इतने अतिथि बुलाते हैं रावण मरता ही नहीं। कभी रावणों से भी रावण मरा है, उसके लिए तो चाहिए हनुमान सज्जन। 23 अक्टूबर को इस नगर में एक बार फिर हम विजयादशमी की पूर्व संध्या पे एक महान कार्यक्रम करेंगे, आप सबको सूचना मिलेगी, तब हम फिर मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं। प्रभु मुद्रिका मेले दुर्गम काज जगत के जीते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, दुनिया के जितने दुर्गम काज हैं आपके अनुग्रह से सुगम हो जाते हैं। और हनुमान के भक्त को एक बात याद रखना चाहिए, हनुमान के भक्त को जो भी करना है अनूठा करना, अव्वल करना, अलग हटके करना, ये समय भी कुछ अलग करने का समय, सामान्य का समय चला गया, कुछ नया करिए। दूध पे तो सभी मलाई जमा लेते, हनुमान का भक्त पानी पे मलाई जमा लेता है, ये हनुमान का भक्त होता है। कुछ नया करिए, कुछ ऐसा करिए कि लोग कहें कि हाँ ये है बजरंग बली के भक्त, ये है जीवन प्रबंधन गुरु के शिष्य। तो अनूठा करिए, सुगम अनुग्रह तुम रहते, शब्द तो तुलसीदास जी क्या लाए, अनुग्रह, ग्रह मतलब पकड़ना, अनु मतलब बाद में। जब पहली बार श्री राम जी और लक्ष्मण जी से हनुमान जी मिले तो दोनों की वार्तालाप हुआ। राम जी ने कहा हनुमान क्या बात है, हनुमान ने कहा महाराज चलिए सुग्रीव से मैत्री कर लीजिए, आप दोनों भाई मेरे कंधे पे बैठ जाइए, मैं लेके चलता हूँ। भगवान बैठने को तैयार हुए, लक्ष्मण जी भी दब गए। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान ये कौन सा तरीका किसी के कंधे पे चढ़ के चलने का, हम रथ में बैठे नाव में बैठ गए पैदल चले समझ में आता, ये कौन सा साधन है। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं बैठा हूँ चुपचाप, तुम भी बैठ जाओ। दोनों भाई बैठे और जैसे ही बैठे और हनुमान जी खड़े हुए, भगवान हिले गिरने लगे। भगवान ने कहा हनुमान हम गिर रहे हैं, हनुमान जी ने कहा एक काम करिए दोनों हाथ से मेरा माथा पकड़ लीजिए। और जैसे ही भगवान ने हनुमान जी का माथा पकड़ा, हनुमान जी ने बोला भगवान आज एक बात सुन ले, हम है प्राणी, हम आपको एक बार पकड़े तो फिर भी छोड़ दें, पर आप परमात्मा जिसको पकड़ते उसको नहीं छोड़ते, इसका नाम अनुग्रह है। एक बार भगवान की पकड़ और जकड़ में जो आ जाए भगवान उसको नहीं छोड़ता। अनुग्रह शब्द का अर्थ यह है, परमात्मा अनुग्रह करता है और करता ही है, उसके अनुग्रह उसकी दया उसकी नियामत उसकी रहमत पे भरोसा रखना सज्जनों देवियों, वो आता है, बस आपकी पुकार होना चाहिए। बंदा है अहम भक्त पराधीन है, उसको आना ही पड़ता है, वो दौड़ के आएगा, उसकी रहमत को महसूस करिए। तेरी रहमत ने जो दिया गुनागारों का साथ, वो तो एक बार रहमत करता है जो पुकारे उसके लिए आता है। तो किसी को फकीर को लिखना पड़ा तेरी रहमत ने जो दिया गुनागारों का साथ, तो बेगुना चिल्ला उठे हम भी गुनागार हैं, वो तो आता ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपने कभी चीटी देखी होगी, किसी फकीर ने लिखा है चीटी के पग नूपुर बाजे, चीटी होती ना कितनी बारीक होती, सोचिए उसका पैर कितना बारीक हो, उस पैर में भी कोई नूपुर घुंगरू हो और कितना बारीक होगा, चीटी के पग नूपुर बाजे, उस नूपुर की भी कोई आवाज हो कितनी बारीक होगी। फकीर कहता है चीटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहेब सुनता है, परमात्मा उस आवाज को सुन लेता है, तो हमारे दिल की धड़कन क्यों नहीं सुनता। एक बार याद तो करिए उसको दिल से, सांस सांस से याद करिए, दौड़ा चलाता है सज्जनों देवियों, उसको आना ही पड़ता है। सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसा, आप राम जी के द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को चौकीदार बना दिया, और ठीक बात है हनुमान जी चौकीदार है। इस बात का जरा विचार करिए, हम अपने घरों में कितना ही बड़ा ताला लगा लें, कितने सिक्योरिटी गार्ड रखे, कितने ही आप सिक्योरिटी सिस्टम रख लें, जिस दिन दुर्गुणों का हमला हमारे घर पे होता है कोई गार्ड कोई ताला कोई सिस्टम काम नहीं आता, और हम देख रहे हैं
अपने घरों में बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, दहरी बार बच्चे निकले और दुर्गुणों की आंधियां चल रही, इन बच्चों को कौन बचाएगा? हमें अपने बच्चों को बहुत दूर पढ़ने भेजना चाहिए, पर वहां उनके चरित्र की विवेक की रक्षा कौन करेगा? रात भर माता पिता करवट बदलते हैं जिनके बच्चे कहीं दूर पढ़ रहे हैं। कोई चाहिए चौकीदार जो इनके चरित्र को, इनके अस्तित्व को, इनके विचार को बचाए, और वो हनुमान है। क्योंकि आज सबसे बड़ी चुनौती है सज्जनों की, आज धन कमाना चुनौती नहीं है, नाम कमाना चुनौती नहीं, पद भी आपको मिल जाएगा, थोड़े योग्य होंगे, थोड़े शिक्षित होंगे तो हो जाए। इस समय मेरे हिसाब से संसार में सबसे बड़ी चुनौती है योग की संतान को पाल पोस के बड़ा कर लेना। अगर आपकी संतान योग्य नहीं है तो आपसे बढ़ के कोई निर्धन नहीं, अगर संतान योग्य तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं। संतानों को योग्य बनाइए सच्चे, ये घोर चुनौती का समय। बच्चों का लालन पालन कोई छोटा काम नहीं, बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा इस काम को। वो दौर चला गया जब बच्चे पैदा होते थे और पल जाते, पहले घरों में 5-10 से कम बच्चे नहीं होते और सब ठिकाने से पल जाते थे, आज 1-2 होते हैं और पालने में पसीना आ जाता है। मैंने देखा है जिन घरों में 1-2 बच्चे होते हैं पूरे टाइम माता पिता शीर्षासन लगाते हैं, खा ले रे भैया, पी ले रे भैया, सो ले रे भैया, औलाद पालना बहुत मुश्किल काम हो गया। पहले की बात ही और थी सज्जनों ने, पहले पिताजी जब घर में आते ऐसा लगता है अनुशासन, एक रौब, एक पूरा दौर घर में आ रहा है, लोगों को लगता था कोई व्यवस्था कोई सत्ता आई है घर में। पिता प्रश्न पूछ ले तो 5 मिनट औलाद सोचती थी जवाब क्या दें, इन्होंने पूछा। अब आज पिताजी 5 मिनट सोचते, पूछू भी नहीं पूछू, सारा सिस्टम ही बदल गया, मूड खराब नहीं हो जाए, माता पिता भयभीत हो गए बच्चों से, दौर ऐसा आ गया सज्जनों के। ये तो पहले तो मामला ही कुछ और था, पिताजी एक थान का कपड़ा लाते, 5 बच्चों को एक ही में निपटा दो, आज 1 बच्चा होता 5 कपड़े ला, दूसरे दिन फिर ला रिजेक्ट। बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है सज्जनों के लिए। पहले मामला भी दूसरा था, घर में दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे, बच्चे महाभारत गीता की कहानी उनके आगोश में सुनते और प्रेम से सो जाते थे। आज घरों में दादा दादी नाना नानी नाम के आइटम ही खत्म हो गए, इनको कौन किस्सा सुनाएगा? वो माताजी पिताजी तो खुद ही टीवी देख के सो जाते हैं, वो क्या सुनाएं? और बच्चों को आप क्या गीता रामायण सुनाएंगे? अब तो आधी रात को बच्चा घर आके आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता है कि आपकी बाकी रात की नींद उड़ जाए। बच्चों को पालने के लिए बहुत ताकत चाहिए सज्जनों देवियों, उनको पालने के लिए आचरण से ही हमको दिव्य होना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं माता पिता पे बहुत जोर है, ये चुनौती का काम है, ये हमारी धरोहर है। 15-20 साल बाद जिस पीढ़ी को हम अपने देश की, परिवार की, समाज की कमान सौंपने वाले, उनको तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए अति सावधानी से बच्चे पालिए, संतान का लालन पालन पूजा की तरह करिए, परमात्मा की तरह इस काम को निपटाइए, इसको खेल न समझिए, वरना भारत को बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, हमारे परिवार खत्म हो जाएंगे। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु भय सारे, और सत्सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक, को डरना अपन थे समारोह पे तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे ही रोग हरे सतीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा आप भी कमाल करते हो, 2 शब्द लिख दिए, नासे रोग हरे सतीरा, रोग का नाश करते पीड़ा को हरते, तो क्या रोग और पीड़ा अलग अलग होती? तुलसीदास जी सवाल पूछ ली। अच्छा तुलसीदास जी को मालूम था ये जरूर पूछेंगे लोग, उन्होंने कहा रोग और पीड़ा अलग अलग होती, रोग बाहर का मामला, पीड़ा भीतर का मामला, रोग का संबंध शरीर से, पीड़ा का मन से। कभी कभी रोग चला जाता है, पीड़ा रह जाती है, और जिसके जीवन में रोग और पीड़ा का मिश्रण हो जाए उसके जीवन में एक नई बीमारी उसको घेर लेती, बातचीत में उदासी, हिंदी में अवसाद और अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिप्रेशन। ये नई बीमारी, यह इतने सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपको याद होगा 50-60 साल पहले अपने देश में एक बीमारी चलती थी, उसको बोलते थे ज्वर बुखार फीवर, किसी को हो जाता तो लोग कहते शनिपात में हो जाए, चलो भगो दिखाओ डॉक्टर। आजकल 103-104 में तो आदमी सारे ही काम करता रहता है। हमको तो कई लोग मिलते हैं कि पंडित जी इतने व्यस्त हैं कि बीमार होने का भी टाइम नहीं है आजकल, तो ये बीमारी का महत्व खत्म, बुखार को कोई कुछ मानता ही नहीं, पर 5-10 साल बाद एक और नई बीमारी आई, ये भी खूब चली सज्जनों देवी, पर आजकल इसका भी इम्पोर्टेंस खत्म। इस बीमारी का नाम था हेडेक, सिर दुखना। क्या दुखा लोगों का सिर, ऐसा दुखा कि जिस किसी दिन किसी का नहीं दुखा तो कईयों को उसी दिन पता लगा कि ऊपर ये माथा एक्स्ट्रा है।
वो समझे सिरदर्दी होता है, माथा अलग होता ही नहीं है, सब दुखा लो। देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगी, तो मैं दिखाता हूं, हम तो कई घरों में ठहरते हैं ना, तो नए नए शादी होती है ना, तो पति पत्नी का कुछ दिन तक नए नए पति पत्नी का कमरा देखना, आपने नहीं देखा, मैंने देखा है, कई घरों में देखते नए नए पति पत्नी अपना कमरा कितना सजा के रखते हैं, नए नए गुलदस्ते, नई नई चादरें, नए नए ग्रीटिंग, नए नए परफ्यूम, और बाप रे, नया नया काम। ग्रीटिंग तो ऐसे लगाएंगे, पतिदेव पहली बार काम पे जाए तो ये ग्रीटिंग लगाती, ऑल द बेस्ट बाबूजी काम पे गए, घरवाली पहली बार भोजन बनाए तो ये लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक, ऐसा प्रेम, ऐसी सजावट, क्या कहने। एक साल बाद उस कमरे में जाओ, एक साल हम गए, जैसे ही गए आप अलमारी में, शेल्फ में सबसे पहले बाम की शीशी रखी हुई, चंदन की तरफ बाम लपेट लिए, क्या हुआ बोले हेडेक हो गया, फैमिली लाइफ हेडेक, ऐसा सिर दुखा लोगों का भी, ये बीमारी भी गई, आजकल इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, पांच दस साल बाद एक और नई बीमारी आ गई, मूड खराब होगा, यह भी खूब चली, कईयों का तो सुबह सुबह पहली करवट से ही शुरू हो जाता है, हजार तो हजार में दो चार ठिकाने से मिलेंगे, कब किसका पड़ जाए मालूम नहीं, ये बीमारी भी गई, फिर एक और बीमारी आई पांच दस साल बाद, ये भी खूब चली, आज के इसका भी कोई महत्व नहीं, पहले इसको राजरोग बोलते, बड़े लोगों को ही होती डायबिटीज, हर पांचवे आदमी को हुई, डर के मारे छठे ने सकर छोड़ दी, ये भी गई। लेकिन अभी कोई दस साल में एक नई बीमारी चली सज्जनों देवी, बड़ी फैशनेबल बीमारी, ऐसी कि सब इसकी घर में चर्चा करते, गांव गांव से लेके मेट्रो तक चली, घर घर में घुस गई। अच्छा ऐसी आपस में चर्चा करते हैं आदमी हो के औरत, बोले अभी दो तीन दिन पहले मैं डिप्रेशन में चला गया था या चली गई थी, अभी निकल के आई हूं। अच्छा खुद ही चले जाते हैं और खुद ही निकल आते, और बड़े आपस में बातचीत करते हैं, डिप्रेशन हो गया, क्या बीमारी चली, भगवान न करे किसी को डिप्रेशन हो, पर किसी के घर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो उससे पूछे भाई आपकी क्या समस्या, मालूम नहीं क्या चाहते हो, अच्छा नहीं लगता भाई जिंदगी में, जिंदगी ठीक नहीं लगती, तो मर जाओ, मरेंगे भी नहीं। किसी के घर में किसी पत्नी को डिप्रेशन हो जाता है ना, भगवान करे ना हो, पर कभी कभी किसी पत्नी को डिप्रेशन हो जाए तो पतिदेव एकदम आते, लाओ मैं कुछ करूं, दूर हटो तुम्हारे ही कारण है, ये बीमारी ऐसी है जिसमें तू ही दर्द और तू ही दवा, घर घर में घुस गई सज्जना देवी। पर मेरा एक सवाल है आपसे, जो हनुमान का भक्त हो, जो हनुमान चालीसा पढ़ता हो, उसके जीवन में डिप्रेशन कैसे आ सकता है, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। हाँ दुख परेशानी निराशा बेचैनी हताशा उदासी चिड़चिड़ापन थकान विपरीत अवसाद डिप्रेशन किसको नहीं आता, बड़े से बड़े महात्मा से लेके सामान्य से सामान्य आदमी तक डिप्रेशन आता है, उदासी आती, फर्क यह है कि महात्मा उदासी को निपटाता है और उदासी हम निपटा जाती, बस इतना सा फर्क, आती जरूर है। मेरा आपसे एक आग्रह है, आपके जीवन में कभी उदासी निराशा आए जो आएगी और इधर उधर मत जाइएगा, हनुमान चालीसा को सांस से पढ़िए, सारी दुनिया में मैं ये प्रयोग कराता हूं, आप इतने प्रेम से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आइए सात मिनट के लिए एक सिद्ध यात्रा पे चलते हैं जो सौभाग्यशालियों को नसीब होती है। आपके जीवन में कभी चिल्ला चिल्ला के हनुमान चालीसा तो बहुत बड़ी सज्जनों देवियों, आज मैं हनुमान चालीसा आपको सांस से पढ़ने का अभ्यास कराऊंगा, मेरे साथ एक अलग भूमिका मानसिकता पे जुड़ी है, जो जहां है परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मेरी बात और मेरी आवाज को सुन के क्रिया करिएगा, पर पहले एक बार इस बात को समझ लें, हमने चौपाइयां रट ली तो यही भूल गए कि चौपाई शुरू कहां से होती है और खत्म कहां होती है। तुलसीदास जी ने हमको ये सुविधा दी है, हर चौपाई का मध्य का और अंतिम अक्षर एक जैसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, सागर उजागर एक शब्द, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, रखवारे दुलारे, यहां एक चौपाई है। आप जब एक गहरी सांस नाभि तक लीजिए, एक चौपाई भीतर जाए, अगली सांस बाहर ले जाए, अगली चौपाई बाहर, दोहे शुरू के बड़े हैं, अंतिम दोहा बड़ा है, तो आधे दोहे में सांस लेंगे आधे में बाहर, मैं बीच में भीतर बोलूं आप सांस लीजिए, हम बाहर बोलूं आप सांस बाहर ले जाए,
जब हम इसको आरंभ में करते हैं तो ऐसा होता है कई बार जब आप अभ्यास करेंगे कि सांस पहले आएगी चौपाई पीछे रह जाएगी। ये भी हो सकता है चौपाई पहले आए सांस पीछे रह जाए, चिंता मत करिए, खंडन कुछ नहीं होगा, खंडित कुछ नहीं होगा। कई बार लोग डराते हैं हनुमान चालीसा बीच में तोड़ना मत पाप लगेगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं इनके जैसा सरल देवता नहीं है, ये कभी किसी को दंड देते ही नहीं है, इन्होंने शत्रुओं को गले लगा लिया, हम तो भगत हैं, ये तो माँ है हमारी, हनुमान जी बाप नहीं, हनुमान जी माँ की तरह, और माँ दुनिया में कैसे भी अपराध क्षमा करती है, बाप को तो फिर भी नियम अनुशासन आता है, तो माँ है हनुमान तो हमारी, कहाँ आप चिंता पाल रहे हैं, सिर्फ प्रेम से याद करिए, एक एक चौपाई को सांस से जुड़ेंगे, इसका एक फायदा है विचार रुक जाएंगे, और जैसे विचार शून्य सांस ली मन नियंत्रण में आ जाएगा, बस यहीं से शांति आती है, क्योंकि मन शांति और अशांति का केंद्र है। तो आइए हनुमान चालीसा को सांस से जुड़ेंगे। एक बात इस बात को ठीक से समझ लीजिए कि सांस से जुड़ने का कारण क्या है। देखिए परमात्मा ने हमारा शरीर बनाने के बाद, हमारा व्यक्तित्व हमको देने के बाद, हमारी हर इंद्रियों के लिए हमको स्वतंत्र छोड़ दिया, आंख नाक कान हाथ पैर मलमूत्र की इंद्रियों का आप जैसा उपयोग करिए आपको करना करे, भगवान रोज रोज नहीं छेड़ता, पर एक क्रिया जीवन की उसने अपने हाथ में रखी हुई है, सांस लेना, और हम उसी का दावा करते हैं। हम मनुष्य लोग ये कहते हैं मैं सांस ले रहा हूं या मैं सांस ले गई हूं, पर कमाल करते हैं यदि हम सांस ले रहे होते या हम सांस ले रही होती तो कोई मरता ही नहीं इस दुनिया में, सांस लेना ही बंद नहीं करता, लेकिन हम सांस नहीं ले रहे हैं, कोई और दे रहा है, जिस दिन वो डोर काटता है, जिस दिन वो हमारी सांस पे अंतिम हस्ताक्षर कर देता है, दुनिया भर के धनवंतरी और डॉक्टर बैठा लीजिए, अगली सांस नहीं ले पाएंगे, वो ले जाएगा, क्योंकि वो दे रहा है, हमको लग रहा है हम ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे, वो दे रहा है, और एक ही काम उसने अपने हाथ में रखा है, तो जैसे ही हम सांस से जुड़ते हैं सीधे परमात्मा से जुड़ते हैं, केवल पूजा करने से भगवान से नहीं जुड़ने वाले, केवल कर्मकांड करने से नहीं जुड़ने वाले, केवल मंदिर में मत्था टेकने से परमात्मा नहीं मिलता, मिलता होता तो लोग जेब में लेके घूमते, कितनी पूजा करते हैं, दो दो घंटे ठाकुर जी मिला रहे, भोग लगा रहे, श्रृंगार कर रहे हैं, और पलटे और घर में जो मिला भिड़ गए उससे लड़ने के लिए, और चार्ज हो गए, पूजा करके हमने देखा लोगों लंडे मारने के लिए चार्ज हो जाते हैं, घर में भगत लोग सबसे ज्यादा इरिटेट, सबसे ज्यादा टेंशन में, सबसे ज्यादा परेशान, खुद भी और दूसरों को, ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी भक्त और क्रोधित हो पर बस कर रहे हैं पूजा, इस हाथ से आरती, इस हाथ से मोबाइल सुन रहे, इस हाथ से भोग लगा रहे, इस हाथ से चेकबुक पे दस्तखत कर रहे हैं, हो गई पूजा, परमात्मा ऐसे नहीं मिला करता, सांस से जुड़ी है, एक गंभीर क्रिया से चल रहे हैं सज्जनों के लिए। आइए कमर सीधी कर लेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल सहज हो जाएं, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं इस प्रांगण में आप किसी के साथ, आप बिल्कुल अकेले हैं, एक ऐसी दिव्य यात्रा में चलने के प्रयास करेंगे जो सौभाग्यशालियों को मिलता है। मैं अपनी वाणी से हनुमान चालीसा का उच्चारण करूंगा, आप सिर्फ सुन के क्रिया करेंगे, मानसिक जप करना है आपको, कोई भी अपने होठ नहीं खोलेंगे, मैं जब भीतर बोलूं तो भीतर सांस लेंगे, बाहर तो बाहर, बीच बीच में बोलूंगा, प्रत्येक पंक्ति के साथ नहीं बोलूंगा, क्रिया टूट जाए चिंता न करिए, आज मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, बाद में आप हमारी सीडी हमारी बुक से इस क्रिया को सीख लें, अभी दिमाग में दबाव न डालें, एक अद्भुत यात्रा जहां शांति मिलती है। हम सबको अपने व्यावसायिक जीवन में सफलता अर्जित करना है, लेकिन शांति नहीं है तो सफलता बेकार है, और शांति मन से मिलेगी, और मन को नियंत्रित करने के लिए हनुमान चालीसा की चौपाइयां आपकी बड़ी मदद करेंगी, क्योंकि हनुमान जी वायु के देवता हैं और सांस की क्रिया वायु के नियंत्रण की क्रिया है। आइए इस सभागार में आप बिल्कुल अकेले हैं ऐसी कल्पना करिए, ना आपके आगे कोई, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, बाहर की किसी आवाज से डिस्टर्ब ना हो, कोई बच्चा बोले, कोई मोबाइल बजे, कोई खांसे, हर आवाज आपको और गहरा उतारेगी। सांस ऐसे लीजिए जैसे पूरी चेतना के साथ भीतर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के भीतर लाते हैं बाहर ले जाते हैं, ऐसे सांस के साथ भीतर आए और बाहर जाएं। विचार आएंगे, झगड़ा ना करें विचारों से, विचारों को रोक दें, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए यहां से, जब आप आए यहां उसके पहले आप कौन थे और जाने के बाद कौन होंगे, थोड़ी देर के लिए विस्मृत कर दीजिए, ना आप स्त्री है, ना पुरुष, ना बाप, ना बेटे, ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, आप सिर्फ परमात्मा का अंश है। एक दिव्य यात्रा पे चलना है, चलिए कमर सीधी आंखें बंद, जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोले, आंख खोलने से ध्यान का आनंद झर जाता है,
गहरी सांस लेके गहरी सांस छोड़ेंगे, गहरी सांस लीजिएगा, गहरी सांस छोड़िएगा। मेरी आवाज के साथ यात्रा करना है सज्जनों देवी, ये बुद्धदेव यात्रा है, ये वो मार्ग है जिससे परमात्मा तक पहुंचा जाता है। भगवान बाहर न कभी किसी को मिला है न मिलेगा, ये भीतर है और हमको भीतर चलना है। मेरे साथ मानसिक जप करिएगा, कोई भी उच्चारण न करें, आंखें बंद, कमर सीधी, होठ बंद, मेरी आवाज को सुनिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भीतर आ चुके हैं बाहर जाएंगे। वर्णव रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, भीतर बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बाहर बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरे कलेश का, भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, बाहर राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा वराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, बाहर प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, भीतर सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के कांस संवारी, लाय सजीवन लखन जी आय, श्री रघुवीर हर शिव लाय, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाए, सहस बदन के मुरो यस गावे, अस्पृश्य विधि कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोविद कह सके कहाँते, तुम उपकार सुग्रीव है कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानो, लीलियो ताही मधुर पर जानो, भीतर प्रभु मुद्रिका मेले मुकुमाही, जल्दी लागे अचल नाही, बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे, भीतर राम द्वारे तुम रखवारे हो, तुम आज्ञा बिनु पैसा रे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन ते समारोह आपे, तीनों लोक हाँपे कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भीतर ना से ही रोग हरे, सब वीरा जब निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान छुड़ावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज से कल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे, अष्ट सिद्धि नाम निधि के दाता, स्वर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदार हो रघुपति के दासा, भीतर तुमरे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, बाहर अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति काई, और देवता चित्र धरी, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई, जो सतबार पाठ कर जो ही छूटे, बंदी महासुख हुई, भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धिजा की गौरी सा, बाहर तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा, भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, बाहर राम लखन सीता से हृदय बसों सब, भीतर गहरी सांस लीजिएगा, आपका कोई गुरु मंत्र हो, भगवान का नाम हो, ना भीतर सांस लेंगे ना भी से सांस छोड़ेंगे, एक भी सांस आपकी आज्ञा के बिना ना भीतर आए ना बाहर जाए, बिल्कुल उंगली पकड़ के सांस को लाइए, बाहर जाइए, विचारों से झगड़ा ना करें, 5 से 7 मिनट की एक क्रिया यदि आप दिन में 1, 2 या 3 बार करेंगे, आप दुनिया के सबसे शांत व्यक्ति होंगे। ध्यान के बाद पलकों को बहुत धीरे से खोलिए और मुस्कुराते हुए खोलिए, आप आंखें बंद करके इतना अच्छा मुस्कुराते हैं, आपने कभी देखा ही नहीं होगा, जरा मुस्कुराइए ना आप लोग, हाँ कितना सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, भाई वीडियो वाले इनका फोटो लो, ये कभी आंख बंद करके मुस्कुराए नहीं होंगे, और धीरे धीरे आँख खोलिएगा, आप इस क्रिया से जुड़िए, आप जीवन की नई अनुभूति करेंगे। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मैं हनुमान जी महाराज को ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मेरा जीवन हनुमान है, इसलिए नहीं, हनुमान भाइयों के प्रतिनिधि देवता है, हनुमान से बड़ा कोई योगी नहीं है, हनुमान ब्रह्मचर्य का अर्थ समझते हैं। जिस दिन आप हनुमान चालीसा की दिव्य मंत्र अभिमंत्रित पंक्तियों से अपनी सांस को जोड़ते हैं, विचार रुक जाते हैं, एक वायु का देवता का आह्वान हनुमत तत्व आपके रोम रोम में प्रवेश करता है, आपका मन पवित्र शुद्ध होता है, यहीं से आपके भीतर से पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है, और इस ओरा में, इस वाइब्रेशन के, इस सराउंडिंग में जो भी आएगा उसको शांत होना है।
दुनिया में शांत रहने और शांत रखने के और कोई तरीके नहीं हो सकते। मन को उसके विचारों का भोजन चौपाई के माध्यम से रोक दीजिए, मन शांत हो जाएगा। आइए वापस चलते हनुमान चालीसा की ओर। ना से ही रोग हरे सब पीरा, जबत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब को राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। शब्द लिखा है मनोरथ। किसी ने कहा तुलसीदास जी से कि आप तो महात्मा और हनुमान जी बजरंग बली जो ब्रह्मचारी और हम सब गृहस्थ है, ऐसा ना हो आपके चक्कर में हम भी लुट जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके मनोरथ पूरे करेंगे हनुमान जी महाराज, हमारे मनोरथ पूरे। आज हम लोगों के मनोरथ क्या है? अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा बंगला, कार, धन दौलत, बैंक बैलेंस। हनुमान जी महाराज हमारे मनोरथों को नियंत्रित करेंगे। आज मनोरथों की आड़ में हम इतने बावले हो गए सज्जनों, देवियों, नाम दाम पद प्रतिष्ठा कमाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दिल से दिल की दूरी नहीं मिट रही। जिस हाथ में देखिए माचिस की बिल्ली की तरह मोबाइल फोन है, फिर भी जो कहा जाना चाहिए सुना जाना चाहिए वो हो ही नहीं रहा। आप रिमोट दबाइए टेलीविजन के सामने, एक मिनट में 80 से ज्यादा चैनल देख लीजिए, जिंदगी के कई महत्वपूर्ण दर्शन देख ही रह गए। हनुमान जी हमारे जीवन में है, हमारे मनोरथ नियंत्रित करेंगे। आज तीन बातों से हम उलझ गए सज्जनों देवियों, हमारे जीवन में मोबाइल टीवी और व्हीकल ने बर्बादी भी ला दी, आबादी भी ला दी। मोबाइल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भले ही आपकी मदद कर दे, लोगों से आप इजीली एक्सेस हो जाएं, पर इस मोबाइल ने घर से इतना दूर कर दिया आदमी को। पति पत्नी बच्चे प्रेम से आत्मीयता से बात करते, अचानक एक घंटी बजती, 6 इंच का ये डिब्बा लाखों दूर अपनों से ले जाके फेंक देता है। अपने सदस्य कातर निगाहों से देखते रहते हैं कब हमारे लोग अपने पास बैठेंगे। इस मोबाइल ने दूरी बढ़ा दी घरों से, टीवी ने दर्द बढ़ा दिया। जो टीवी सीरियल और जो दृश्य आज टीवी से बाहर आक्रमण के रूप में घरों में आ रहे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं टीवी का विरोध नहीं हूं, पर लगातार जो सीरियल दिखाए जा रहे हैं उसमें हमारे घर में जो रिश्ते होते हैं इतने पतित, ऐसे रिश्ते हो गए। आज जिस सीरियल को देखो उसमें भारत के रिश्तों की ऐसी मजाक और ऐसा अपमान किया जा रहा है कि लोग सास बहू के रिश्ते पे संदेह करने लग गए, लोग भाई भाई पे रिश्ते पे संदेह करने लग गए। भारत के परिवार कभी ऐसे नहीं थे। इतने गंदे, इतने कुत्सित दृश्य दिखाने के बाद कैसे घर में शांति रहेगी? थोड़ा सावधान रहिए। और विकल्प दिखावे की चीज, दूरी, दर्द और दिखावा इतना बढ़ गया, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अपने मनोरथ को नियंत्रित करिए, और मनोरथ जो कोई लाए सोई में जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन नाम दुलारे। किसी ने कहा आप साधु संत के रखवाले हैं तो तुलसीदास जी से फिर कहा आपने, फिर दो शब्द लिख दिए साधु संतों के, साधु संत में फर्क होता। तुलसीदास जी ने कहा आने वाले समय में मैं जानता था लोग ये सवाल उठाएंगे कि साधु ऐसे होते हैं। आजकल भगवा वस्त्र की आड़ में जिसे देखो वो साधु बन गया, उनकी विलासिता, उनकी जीवन शैली देख के ग्रस्तों को लगता है साधु ऐसे होते तो हम ग्रस्त अच्छे। तो तुलसीदास जी ने कहा साधु संत में फर्क है, साधु आरंभ में संत अंत है, साधु चलना है संत पहुंचना है, साधु बाहर का मामला है संत भीतर का मामला है, साधु आवरण है संत आचरण है, साधु जीवन शैली संत प्रवृत्ति है। साधु हर कोई हो सकता है, संत कोई कोई होता है, साधु सारी दुनिया में पाया जाता है, संत भारत में पाया जाता है। साधु वो जो परमात्मा को चाहे, और संत वो जिसे परमात्मा चाहे, ये साधु संत का गरिमा लगीमा प्राप्ति प्राकाम वशितुर ईशत, ये 8 सिद्धि होती, 9 निधि होती, पदम महापदम शक मकर कच्छप कुंद मुकुंद नील और खर। कौन देता? हनुमान जी। उनको किसने दी? अश्वर दीन जानकी माता, माँ ने आपको दी है। मैंने पहले भी कहा माँ के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, 8 सिद्धि और 9 निधि देती है माँ। किसी शायर ने माँ के आशीर्वाद के लिए बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, क्या सीरत थी क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुआ अम्मा एक मुहूर्त थी। दुनिया के सारे शुभ मुहूर्त माँ के पैरों में, आप कोई बड़ा काम करने जाए माँ के चरणों में नमन करिए, माँ के चरणों को हृदय में रखिए, देखिए आप सफलता मिलके रहेगी। अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप राम जी का रसायन देते हैं, राम जी के रसायन से 10 बातें हनुमान जी लोगों को देते हैं। आइए समापन की ओर चल रहे हैं, 15 से 20 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा सज्जनों देवी। और राम रसायन हनुमान जी देते हैं, आप में से कई लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि हनुमान जी के पास एक रसायन होता है जिससे 10 बातें मिलती है। आदमी को दीर्घायु होता है, यौवन मिलता, आरोग्य मिलता, बुद्धि बल मिलती, सुगठित देह होती है, मधुर कंठ होता है, तीव्र स्मृति होती है, इंद्रियों की पटुता, और 10वीं बात तेज। ये 10 बातें कौन देता है? हनुमान जी।
कैसे राम रसायन। कई बार हम सब लोग पूछते हैं पति पत्नी के पंगे खत्म नहीं होते, महाराज इसमें हनुमान जी को हेल्प कर सकते हैं क्या? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, केवल हनुमान जी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास एक राम रसायन। आप में से जिन लोगों ने विज्ञान विषय पढ़ा होगा वो जानते होंगे हमारे यहाँ विज्ञान में एक रसायन शास्त्र नाम का विषय होता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। हमारे किसी से विचार मिल जाए तो हम बोलते हैं ना उसकी केमिस्ट्री मुझसे ठीक है। पति पत्नी की केमिस्ट्री अच्छी तो घर बैकुंठ। आपने कभी किसी की गृहस्थी फिजिक्स से चलती देखी है? आपने कभी किसी की गृहस्थी भूगोल से चलती देखी? आपने कभी किसी की गृहस्थी गणित से चलती देखी है? गणित से तो जिन्होंने गृहस्थी चलाई उनके सारे गणित बिगड़ गए। गृहस्थी चलती पति पत्नी के आपसी संबंध और समझ से, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी तो बस गृहस्थ में यही बैकुंठ दाम्पत्य। चलिए आपको छोटी सी घटना बता के आगे चलते हैं। एक युवक को करना थी शादी, बहुत सारे लोगों से सलाह ली, दे दी सलाह उसको, अपने आप भोगट में सलाह देने वाले तो बहुत मिल जाते। भारत में ये एक काम है जो बड़े आनंद से मिल सकता, ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने कभी नाखून का ऑपरेशन नहीं कराया वो कैंसर के ऑपरेशन की पूरी जानकारी दे देंगे आपको। तो उसको भी दे दी कि प्यारे एक काम कर, शादी वो लड्डू है जो खाए तो पछताए और नहीं खाए तो पछताए, पर उसका पार नहीं पड़ा। वो किसी ने कहा एक काम कर कबीर दाजी पास चला जा, कबीर दाजी तेरी समस्या का निदान निकाल दे। गया कबीर दाजी कुटिया के बाहर बैठे थे, जाके प्रणाम किया और पूछा कबीर दाजी एक बात बताइए, शादी करूं कि नहीं करूं? कबीर दाजी ने कहा बैठ बताते हैं। अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लोई जरा भीतर से जलती हुई लालटेन लेके आओ। भरी दोपहरी में अपनी पत्नी से जलती लालटेन बुलवाई तो युवक चौंक गया, और तब और ज्यादा चौंक गया जब जलती हुई लालटेन लाके रख दी। इसका माथा ठनक गया, इसने कहा मेरी बात का जवाब दीजिए, शादी करूं कि नहीं करूं? कबीर दासी ने कहा बैठे भी बताते हैं, लोई कुछ जलपान लेके आओ। युवक ने कहा मुझे नहीं चाहिए। कबीर दासी के कटोरे में दूध भरा था, उन्होंने पत्नी से कहा डाल दे इसमें, डाल दिया, दूध बाहर गिर गया। युवक को बड़ा आश्चर्य हुआ, विचित्र आदमी उल्टे उल्टे आदेश दे जा रहा है और पत्नी इससे भी ज्यादा विचित्र के चुपचाप मैंने चली जा रही, मेरी बात का जवाब दीजिए शादी करूं कि नहीं करूं? कबीर दास जी ने कहा आ थोड़ा घुमा के लाते हैं उसकी पीठ, आत्मा जैसे हंसते हुए ऊपर नीचे होते रहना जिंदगी कट जाएगी। जिसने अपने घर में हंसते हुए सीख लिया जीना उसकी जिंदगी कट जाएगी। इसलिए आज से आप ये संकल्प लेके जाना, मैंने दो घंटे जो आपके साथ बिताए कोई ना कोई तो संकल्प लो सज्जनों दीवी, जब आप घर जाओ तो आपके जो घर वाले आपके साथ नहीं आए हैं उनको लगना तो चाहिए कि कुछ बदल गए सरकार। इसीलिए तो लोग कथाओं में नहीं आते कि जो आते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता तो बाकी बाहर से ही भग जाते हैं कि क्या फायदा। लेकिन आज अपने घर में एंट्री लो तो जो भी चेहरा पहले दिखे उसको देख के एक काम जरूर करना, एकदम मुस्कुरा दे। जैसे आप मुस्कुराए कि उनको लगेगा कि या तो इनकी तबीयत खराब या अपना दिमाग है, कौन हंस रहा है? लेकिन आज एंट्री लेते ही हंसना, लोग हंसने में भी डरते हैं। हमारी कथा में एक भाई साहब को हमारी नजर पड़ती तो हम देखते बार बार हंसते, फिर अपनी पत्नी को देखते फिर हंसते, फिर देखते। एक दिन मैंने उनसे पूछा आप क्या परमिशन लेके हंसते हो? उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, आपके जरा मुस्कुराने के चक्कर में घर में हो जाती झंझट। हमने कहा भाई ये क्या हो जाता? बोले जैसी हम घर जाते हैं यहाँ हंस हंस के तो घर जाती पत्नी पहला आक्रमण करती, क्यों? कथा में तो बड़ा मुस्कुरा रहे थे, अब घर में क्या गिद्दी बंद हो गई? तो मैंने कहा घर में मुस्कुराओ। बोले आती नहीं है पंडित जी, बहुत कोशिश कर, घर में नहीं आती मुस्कुराहट, पर आज कथा में से जाएं। अरे हनुमान जी की भक्ति करके जा रहे, ये रिश्ता तो बड़ा जोरदार है, चलिए आगे चले। हनुमान जी पति पत्नी के बीच की मुस्कान का नाम है, इसका नाम हनुमान है सज्जनों देवियों। एक बार एक गाँव में मेला लगा, पति पत्नी गए, इतनी धक्का मुक्की, ऐसी मारा मारी मच्छी की पत्नी कहीं खो गई और पति अकेला रह गया। पति ने कहा ये ठीक रहा, अब थोड़ी देर अकेले मेला घूमेंगे। पतियों को अकेले घूमने में बहुत मजा आता है। गई बोले, थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि मिलेगी तो पूछेगी, तो कुछ ढूंढने की कोशिश करी कि अकेले ही आनंद मना रहे। अच्छा उसको ये मालूम था कि मिलेगी जरूर, वो तो कभी किसी की ऐसी ना खोई के गई तो गई, वो तो करोड़ में एकाध भाग्यशाली होगा जिसकी गई तो गई।
नहीं तो आई जाएगी और आएगी तो पूछेगी कि क्यों भाई कुछ ढूंढने की कोशिश करी तो तुरंत याद आ गई। घर वाली याद आती तो लोगों को भगवान याद आता। एक काम करो प्रभु, 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा मेले में। घरवाली को भी ढूंढ देना, लड्डू लिए थाल में, मेले के बाहर निकला, इधर राम जी का मंदिर, इधर हनुमान जी का मंदिर। राम जी के मंदिर में 1.25 किलो लड्डू लेके जाने लगा। हनुमान मंदिर के पुजारी ने देखा, बोले क्यों रे भगत, क्या समस्या हुई, लड्डू लेके कहाँ जा रहा। भगत ने कहा मेले में घरवाली खो गई, राम जी के मंदिर में 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा। राम जी जानते हैं घरवाली खोने का विरह क्या होता है, इनको लड्डू चढ़ाऊंगा तो ढूंढ देंगे। हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा अरे मूर्ख, वहां कहां लड्डू चढ़ा रहा, यहां चढ़ा, इनकी खोई थी तो इनने ढूंढी थी, तेरे लिए। पति पत्नी के बीच का प्रेम खो जाए, मतभेद आ जाए, विवाद आ जाए, हनुमान जी को याद करिए, देवता प्रेम का देवता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रघु, रघुपति के दासा तुमरे भजन, राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंतकार रघुवर पर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्ति का है। लोगों ने इसका उल्टा अर्थ लगा लिया, दो क्षण बाद जीवन क्या होना है सज्जन और दिव्यों किसी को नहीं मालूम, आज है कल नहीं रहे, अब भी जाएंगे और पता नहीं भगवान का बुलावा आ जाए। पर हनुमान चालीसा भविष्य के प्रति बड़ा आश्वासन दे रही, अंतकाल जीवन के अंतिम काल में भगवान के धाम जाएंगे, जन्म जन्म तक हरि भक्त कहलाएंगे। भविष्य के प्रति इतना बड़ा आश्वासन केवल हनुमान दे सकते हैं, इसलिए लिखा। लेकिन लोगों ने गलत अर्थ लगा लिया, अंतकाल का अर्थ लोगों ने लगाया कि जो जीवन का अंतिम काल आए तब भगवान को जपो। इसी कथा में आप देखिए मंदिरों में कथा में इसीलिए डोगर डोगरी नजर आती, क्योंकि उनको लगता है अंतकाल आ गया। हम तो कई बुजुर्ग से पूछते हैं, बोले जीवन भर बहुत काम किया, बहुत धंधा किया, बहुत नौकरी की, अब सब बच्चों को सौंप दिया, भगवान का नाम लेके, जैसे कोई भगवान रिटायरमेंट का आइटम। लोगों को आखिरी में याद आ रहा है, अरे भैया हम भी कपड़े फ्रेश पहनते हैं, भगवान को भोग ताजा लगाते हैं, फूल ताजे चढ़ाते हैं, आप भी जब ताजे हो तब से भगवान को जड़िए, भगवान को भी बासी चीजें पसंद नहीं है। अपने बचपन में अपनी जवानी में चढ़िए, फ्रेश आइटम किसको नहीं पसंद है। अंतकाल रघुवर पड़ जाए, जहां जन्म हरि भक्ति का ही, और देवता चतन धरी हनुमत सही सरस्वत करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीर, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव पिनाई। ऐसा लगता जैसे तुलसीदास जी हनुमान चालीसा की इस चौपाई को लिखते लिखते समाधि में चले गए। ये हनुमान चालीसा की प्रतिनिधि पंक्तियां हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। सज्जनों देवियों, जिसके जीवन में गुरु आ जाए समझ लीजिए सौभाग्यशाली है। परमात्मा की कृपा होती तब किसी को गुरु मिलता है। गुरु मिलने का अर्थ है गुरु मंत्र। गुरु वो झरोखा है जहां से भगवान झांका जाता है, परमात्मा तक सीधे छलांग नहीं लगती। गुरु का एक हाथ भगवान को छुआ हुआ रहता है, दूसरा हमारे लिए खाली रहता है, पकड़िए पहुंचाइए। लेकिन हम लोगों के जीवन में अपने ही कारण गुरु नहीं आ पाते। हम बाजार के लोग हैं, हर चीज वारंटी गारंटी से खरीदते हैं, तो गुरु भी हम ऐसे ही बनाते हैं। सोमवार को गुरु जी बनाते हैं, मंगलवार को गुरु जी में खोट ढूंढते हैं, बुधवार को गुरु जी रवाना, गुरुवार से नए गुरु की तलाश। गुरु नहीं मिलता आदमी को। रोज भगवान से एक बात जरूर मांगना, परमात्मा कुछ दो न दो, गुरु भेज देना। हम चुनेंगे तो अपने तरह चुन के चूक जाएंगे, पर भगवान से कहिए एक दिन आपके द्वार पे चल के गुरु आएंगे, बस उससे गुरु मांगिए। और अगर आप ही के कारण कोई आपकी जिंदगी में गुरु ना आए तो तुलसीदास जी ने कह दिया है हनुमान जी को गुरु बना लेना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव। ये गुरु की तरह जैसे माँ बच्चे को आंचल में लेके चलती, हनुमान जी अपने भगत को लेके चलते हैं, क्या मार्गदर्शन देंगे। और हनुमान चालीसा मंत्र है, इसलिए कहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जो सतबार पाठ कर को छूटे बंदी महासु। इस पंक्ति को लेकर हम लोग, हमसे लोग बहुत पूछते हैं ये सतबार का क्या चक्कर है, कोई कहता 7 कोई 100 में एक बार, बताता हूँ ये संख्या पे कभी मत जाना। भगवान संख्या का मामला है कि नहीं, भगवान साधना का मामला है। ये तो लोक भाषा में लिखी पंक्ति, पता नहीं तुलसीदास जी ने सत लिखा तो क्यों लिखा, पर मुझे एक संत का बहुत सुंदर उत्तर लगता है। जो ये सत में उलझ जाते हैं 100 बार 7 बार झंझट छोड़ो, सत का अर्थ होता है नींबू की अंतिम बूंद को सत कहते हैं, पुराने लोग जानते होंगे, फल को निचोड़ो और उसकी अंतिम, ऐसा कहते हैं उसका सत निचोड़ दिया। आप अपनी एकाग्रता भक्ति का सत निचोड़ के एक चौपाई भी पढ़ लेंगे तो 40 का असर होगा। सत का अर्थ है जो सत बार पाठ कर
छूटे गंदी महा से कोई ठोरे पोए हनुमान चालीसा ओए सिद्धिदा की गौरी सा तुलसीदास सदा ही चेहरा कीजे नाथ ओए सिद्धिदा की गौरी सा। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा महाराज हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने शपथ ले ली हो सिद्ध सा की गौरी सा मैं गौरी सा की साक्ष्य लेके कह रहा हूं कि हनुमान चालीसा आपके जीवन में सिद्ध होगी। गौरी सा मतलब शंकर और पार्वती की साक्ष्य ली शंकर पार्वती श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। तुलसीदास जी कह रहे हनुमान चालीसा श्रद्धा और विश्वास की छाव में पड़ी जाएगी तो जरूर परिणाम देगी और सिद्ध होगी। लोगों ने कहा कैसी होगी क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में तो लोग ये कहते हैं इनको कहां से सिद्ध हुई। तुलसीदास जी के बारे में आप सब जो जानते होंगे उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। अपनी पत्नी से बहुत स्नेह करते एक बार मायके चली गई तो पीछे से तुलसीदास जी भी चले गए उसके कक्ष में गए रत्नावली ने देखा बोले ये आपने क्या किया आप मेरे पीछे मेरे कक्ष में मेरे मायके आ गए जितना स्नेह आप हाड़ मास के इस पुतले से करते इतना श्रीराम से किया होता तो जीवन बदल गया होता। बात तुलसी को घर कर गई और कहते हैं तुलसीदास जी राम जी के मार्ग पे चले गए तो लोग आज भी यही कहते हैं कि तुलसीदास तो तुलसीदास इसलिए हुए कि उनकी पत्नी रत्नावली ने उनको डांटा इसलिए वो तुलसीदास हो गए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं यदि पत्नी की डांट सुन के कोई तुलसीदास हुआ होता तो घर घर में तुलसीदास हो गए होते। तुलसीदास इसलिए तुलसीदास नहीं हुए थे कि पत्नी रत्नावली की डांट पड़ी तुलसीदास इसलिए तुलसीदास हुए कि उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई और अगर उनके ऊपर हुई है तो एक साधारण सा कवि दुनिया का महान ऋषि बन गया। तुलसी को कवि मानने की भूल करिएगा मत वो ऋषि है क्या लिखा है हनुमान जी की कृपा से। तुलसीदास का रामचरित मानस भारतीय संस्कृति की आचार संहिता यूं नहीं बन गया क्या अजब लिखा क्या गजब लिखा सबके मन को भा गया कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल बना गया तुलसी दल क्या लिखा है रामचरित मानस तुलसी के दोहे हमारे रग रग में बहते हैं तुलसी की चौपाई हमारी नस नस में चलती है सुंदर कांड फूल की तरह बहते हैं। एक पंक्ति पढ़ने के बाद आदमी को जीवन के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं बड़ा सा बड़ा भय चला जाता है क्यों हनुमान जी की कृपा हुई और तुलसी पे हुई तो सज्जन देवी हम पे भी होगी भरोसा रखना। इसीलिए अंतिम पंक्ति में कहा कवन तरह संकट रण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसन सुरभ हृदय पे आरंभ हुआ है मन से समापन हुआ हृदय पे मन मन ये माइंड नाम का कोई एलिमेंट नहीं है तो मेमोरी बैंक है और लेकिन अशांति शांति का केंद्र यही है हृदय का और मस्तिष्क का इलाज है। मेडिकल साइंस कहता है ब्रेन में गड़बड़ो ऑपरेशन कर देंगे हार्ट में एंजियोप्लास्टी कर देंगे लेकिन मन का इलाज तो अध्यात्म कहता है हनुमान चालीसा ही कर सकती है कोई नहीं कर सकता मन में मेडिकल साइंस क्या करेगा। ये मन जो है सज्जन और देवियों उपद्रव काटता है ये भोजन कर करके मस्त हो रहा है अलमस्त हो रहा है इसको भोजन इसके विचार को बंद करिए चौपाई से सांस को जोड़िए बस मन विचार शून्य हुआ आप शांत हुआ पवित्र हुआ। इसलिए थोड़ी देर 5 से 10 मिनट रोज सांस के साथ चौपाई करिए तब मन शुद्ध होता है। इसलिए लिखा हृदय बसो स्वरूप। हमसे कई लोग पूछते हैं हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आइए समापन करने जा रहे हैं सज्जन और देवी मुझसे लोग प्रश्न करते हैं अगर हनुमान चालीसा हमारे जीवन में आएगी तो हमको क्या मिलेगा। आइए आज जीवन की बात कर ले एक एक पंक्ति में जीवन एक एक शब्द में जीवन है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या मिलेगा। अच्छा आजकल किसी को कुछ नहीं मिले तो कोई कुछ करता भी नहीं है लेन देन का युग है। एक बात समझ लीजिए क्या मिलेगा ये तो नहीं मालूम लेकिन कुछ चाहने की चाह जरूर खत्म हो जाएगी। आपके पास अथाह संपत्ति होगी तो वैराग जाग जाएगा और आपके पास कुछ नहीं होगा तो भी धर्मानों से अधिक मस्ती से जिएंगे। तो लोग बोलते नहीं पंडित जी घुमा फिरा मत बताओ क्लियर बताओ मिलेगा क्या। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ हनुमान जी का सीधा सिद्धांत है जो भी उनको जो भी देगा उससे वो डबल लौटाते हैं। हाँ लोगों ने कहा ये ठीक तो डबल के तो चक्कर में दुनिया हमने कहा ये चलेगा और वास्तव में हनुमान जी डबल लौटाते हैं। आइए एक छोटी सी कथा के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक गाँव में भगवान का मंदिर बनना था इसका निर्णय हुआ। अपने यहां तो कोई काम करने जाओ तो आपस में पंगा पहले हो जाता हो गया किसका मंदिर बने सब उलझ गए हमारे भगवान का हमारे भगवान का। हनुमान जी वाले बोले हनुमान जी का बनेगा गणेश जी वाले बोले गणेश जी का बनेगा। झगड़ा हुआ उस गांव में कुछ बुजुर्ग लोग चलने का लड़ो मत अपन सब डेमोक्रेसी में रहते हैं प्रजातंत्र में रहते हैं अपने देश में प्रजातंत्र में चुनाव का बड़ा महत्व है लड़ो मत भगवान के बीच में चुनाव करा लो जो जीत जाओ उसका मंदिर बनाओ। सबने कहा ये ठीक। अच्छा अपन लोगों को चुनाव में बहुत रस आता है मोहल्ले का अगर राष्ट्रपति का अपन फोकट ही कूदते कहीं तो घंटों टेलीविजन पे बैठे रहते
तो सबने में लड़ाओ लड़ाओ बिल्कुल पक्का घोषणा हो गई भगवान के बीच चुनाव, भगवान को बैकुंठ में पता लगा, सबके सब आसमान से नीचे झांकने लगे, देखें भगत अपने को इलेक्शन लगा, मतदान हुआ, मतगणना हुई, पहला परिणाम आया और गणेश जी चुनाव आए। और ये लोगों ने कहा, गणेश जी ने कहा प्रथम पूज्य बन के बैठा था भक्तों ने और हरवा दिया, गणेश जी गए। दूसरा परिणाम आया, दुर्गा जी चुनाव हार गई। माता जी ने कहा अन्नपूर्णा बन के बैठी थी बच्चों ने और खड़ा करके भजियत कराई, माता जी भी गई। तीसरा परिणाम आया, शंकर जी चुनाव हार गए। अच्छा बाबा जी की जमानत ही जब्त हो। शंकर जी ने कहा क्या फर्क पड़ता है, कैलाश में फकीरी में बैठे न लेना एक ने दो ना दो, चलो वापस चले गए। फिर मतदान हुआ, फिर परिणाम आया, इस बार कृष्ण जी चुनाव हार गए। अच्छा कृष्ण जी ठहरे कोई आसानी से मान जाए, हा उनने सोचा मत पेटी ले भरो। लक्ष्मण जी ने बोला कोई दो मतों से भी जीतता है, रिकाउंटिंग कराई जाए, पुनर्मतगणना के आदेश। हनुमान जी ने कहा पुनर्मतगणना करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है। पुनर्मतगणना हुई, पुनः परिणाम आया, हनुमान जी पुनः दो मतों से विजयी घोषित हो गए। जय जयकार हुई, भगवान ने अयोध्या वासियों से कहा देखो ये जीत गया, अब लजने से कोई मतलब नहीं, चलो अवध वापस चलते हैं। सब लोग लौट गए। एक दिन भगवान श्री राम अयोध्या में अकेले बैठे थे और दूर से हनुमान जी दिखे, बुलाए इधर आ भैया, आज अकेले में एक बात बता, तू जीत गया अच्छा लगा, भक्त जीतता है तो भगवान को अच्छा लगता है, पर हनुमान आज एक बात तो बता, वो कौन से दो मत थे जिनसे तू जीत गए आज तो बता दे भैया। अकेले में भगवान श्री राम ने पूछा तो हनुमान जी ने कहा सुन लो महाराज, बस यही दो मत मेरे पास आपसे ज्यादा है और जिंदगी भर इनकी बदौलत मैं आपसे जीतता रहूंगा, और ये दो मत हैं, एक है सीता और दूसरा है राम, मैं जब भी जीतूंगा इससे। और सज्जनों देवियों, हनुमान जी महाराज का अर्थ ये सीताराम जी, हनुमान जी हमारे जीवन में आएंगे तो सीताराम जी को आना ही पड़ता है। आज आप बाजार में जाइए, जिस दुकान पे चलते हैं बोर्ड लगा रहता है बाई वन गेट वन फ्री, हर दुकान यहाँ तो बाई वन गेट टू फ्री। सीताराम जी के साथ आप एक फायदा उठा सकेंगे, हनुमान जी आपके जीवन में आए तो सीताराम जी स्कीम में फ्री आते हैं। आप एक बार हनुमान जी महाराज को जीवन में बुलाइए, बहुत सुंदर आयोजन, दैनिक भास्कर समूह और उनके साथ जुड़े हुए हमारे प्रशांत शर्मा जी जो मिलान जैन ग्रुप के हैं, इन दोनों से एक मिनट बैठिए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है और मैंने अभी तीन ही मिनट आपके ज्यादा लिए हैं, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे पांच मिनट अधिक ले रहा हूँ। पर सज्जनों देवियों, मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, दैनिक भास्कर समूह ने आज जो आयोजन किया है, 23 अक्टूबर को हम सब फिर इन संस्थाओं के साथ मिलेंगे, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों के कारण आज ये हुआ, श्री महेंद्र सुराना जी, हमारे मनोज अग्रवाल जी, हमारे ओम गुरु जी, ऐसे जितने लोग हैं। हम फिर 23 अक्टूबर को एक अभिनव अनुष्ठान में मिलेंगे। आपसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, मैं जब कभी भी अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ, लोग मेरे पास आके कहते हैं पंडित जी आज हमको हनुमान चालीसा के अर्थ मालूम हुए। देखिए सज्जनों देवियों, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप खाली हाथ आए खाली हाथ जाइएगा मत। हनुमान चालीसा और हनुमान जी अर्थ नहीं है, आप मेरी वाक शैली, मेरी प्रस्तुति, मेरी वाक पटुता पे मत टिक जाइएगा। हनुमान जी को केवल अर्थ न समझें, हनुमान जी अनुभूति है। आप केवल शब्दों पे मत टिकिए, हनुमान जी शून्य है। आप खाली हाथ आए पर खाली हाथ जाइएगा मत। आज आप अपने साथ हनुमान जी महाराज को लेके जाइए, क्योंकि जीवन कोई छोटी घटना नहीं होता, जीना करना पड़े, चुनौतियां खड़ी हो जाएं और तब ऐसा लगे कोई तो आए कोई तो आए, उस दिन बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अपने साथ इसी समय लेके जाइए, एक इशारा करिए बावला देवता जीवन भर आपके साथ जाने को तैयार है। आज हनुमान जी को लेके जाइए, खाली हाथ मत जाइए, हनुमान जी की अनुभूति की स्पर्श किया है, यूं कहा कि मत जाइएगा।
प्रेम से इस देवता को अपने साथ लेके जाइए, आपके जीवन की अनुभूति हो जाएगी। आज से हनुमान चालीसा को सांस से जपिए, आज से आप निराश नहीं होंगे, जीवन के सारे लक्ष्य पूरे करेंगे, सफल होने के बाद आप शांत रहेंगे। देखो सज्जनों देवियों, जीवन अलग बात है, जन्म अलग बात है। जन्म तो जानवर भी लेता है और मरता तो वो भी है। जन्म तो हमारा भी हुआ है, मृत्यु हमारी भी आएगी, लेकिन मनुष्य के पास वो संभावना है जो जन्म और मृत्यु के बीच जीवन जी लेता है। जन्म को जीवन में बदलना पड़ता है, अन्यथा जानवर की तरह आएंगे और जानवर की तरह चले जाएंगे। और यदि अपने जन्म को जीवन में बदलना हो तो हनुमान चालीसा और हनुमान जी आपके जीवन में आपका मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। मेरे इस कार्यक्रम का नाम कहीं एक शाम हनुमान के नाम है तो कहीं एक शाम जीवन के नाम है। मैं जीवन और हनुमान को अलग करके नहीं चलता। आज हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन की एक शाम जीवन के नाम नहीं हो, आपके लिए हर शाम जीवन के नाम हो, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो। एक बार मैं पुनः दैनिक भास्कर समूह श्री प्रशांत शर्मा जी सबका बहुत मान करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ। हम फिर कभी ऐसे ही मिलेंगे, तब तक के लिए जरा मुस्कुराइएगा, फिर यहाँ से जाइएगा।